Okay, hello everyone. I hope you can hear me. जी यस मैम। Can you guys hear me? Okay, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are in good health. And welcome to the Flutter workshop. It's the first day. And my name is Tati Zara, and I'm the DSA lead from Sophia University. And we are having a great day to be going. So let's start it up that today is a day one. We will have about 6 days and it's going to be very great. About a day one, we will have covering the three topics, which is be going the first topic by the Flutter intro, like some of basic stuff, which will be heading by our guest speaker, Waleed Arshad. Then after we will having two topics, which is about installing Flutter and Flutter Doctor, which is be going held by our coach, who is going to teach you about the Flutter stuff, Muiz Hassan. So let's talk about our first topic, which is Flutter Info, and the guest speaker is Waleed Arshad, which is also, he is the mobile technologist and a core mobile developer, and he is our first GDE expert in Pakistan as a Flutter expert. So let's bring up and let's start the day. So back to you, Waleed. Assalamu alaikum. Guys, can you hear me? सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सब अपने आप को म्यूट कर दें एंड व्हाट एवर आई आस्क यू गाइस कैन यू नो आंसर मी इन द चैट और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एट द एंड सो आई विल जस्ट कैन यू हियर अस लेट यू कैन यू हियर मी यू गाइस कैन हियर मी राइट या ओके सो यासिर म्यूट कर लें अपने आप को आई थिंक ओके So, since when he came back, I tell you something a little bit about the day one. So on the day one, and we have on the other days also, we will having a quiz. And at every each session after the completing the sessions, we will have a quiz about 5 questions of 10 seconds, which is going to be fun. And on the last day, we were going to have a great big competition of this Flutter workshop, and those who are going to be win get the swag from our Flutter team development. So I guessing the leadership. Ma'am, not... what we get? We'll, repeat what we will get after winning Let the. Me... Hello, guys. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है राइट आई कैन हियर योर वॉइस सर तस्वीर को नहीं आ रही बाकी सबको आ रही है ऐसा है यस सर सर आ रही है यस सर आ रही है ठीक है सबको आ रही है ठीक है गुड है सो आई विल बी बायलिंगुअल है मतलब मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में करूंगा पर ततीर को कोई बता दे मैसेज करके भाई आवाज आ रही है मुझे आ रही है ततीर की आवाज सबको आ रही है लेकिन शायद ततीर को मेरी आवाज नहीं आ रही तो लेट्स जस्ट बिगिन मैं अपनी स्लाइड शेयर कर देता हूँ जब तक कोई मैनेजमेंट से ततीर को से कांटेक्ट करके उसको बता दे कि भाई मैं प्रीटी मच ऑडिबल आई एम ऑडिबल अच्छा तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपना टैब तो यू गाइस कैन सी इट राइट यस मेरी स्लाइड नजर आ रही है सबको राइट जी जी ओके अच्छा जो भी मैं सवाल पूछूं उसका जवाब मुझे चैट में देना ठीक है माइक ऑन म्यूट माइक ऑन नहीं करना क्योंकि सबकी बैकग्राउंड नॉइसेस आती हैं तो वो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होती है मैं सवाल बिल्कुल एंड में लूंगा बिकॉज जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे चैट नजर नहीं आ रही होगी तो आपके जो भी सवाल हैं या जो भी आपको मुझसे बात करनी है वो मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान करोगे तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा बिकॉज मैं प्रेजेंटेशन पे हूँ इस वक्त ठीक है तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी वीडियो कैसे आ रही तो यू गाइस कैन यू नो मैनेज दैट तो स्टार्ट करते हैं अभी आज जो मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ फ्लटर का वो बेसिकली एक एक सॉर्ट ऑफ वो सब चीजें होंगी या वो उन उन सब चीजों से थोड़ा सा कुछ होगा जो कि आप इन इन 5 दिनों में या जो भी जितना भी पूरा ये बूट कैंप है इसमें आप जो सीखेंगे ना
उसका समझ लें एक अर्क आपको मिलेगा इस वाली टॉक में. मतलब मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ लें. आई सेल यू गाइस, आई सेल फ्लटर टू यू कि व्हाई इट्स फ्लटर गुड, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, और क्या कहते हैं ये फास्ट क्यों है और उसको अडॉप्ट क्यों करना चाहिए. तो आई विल बी शोइंग यू सम कोड एज़ वेल. किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, म्यूट कर दो भाई. तो आई विल शो यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लटर एज़ वेल, आई विल शो यू सम कोड एज़ वेल. मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा कि ये कोडिंग होती कैसे, ठीक है, एप्स बनती कैसे हैं, और आई विल टेल यू व्हाट फ्लटर इज बेसिकली. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले व्हाट this I usually add this slide in the beginning of my talk, of my every talk. तो इस स्लाइड का मकसद ये है कि भाई सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपकी अपनी वजह से हो रहा है. सो यू प्लांटेड सम सीड इन सम टाइम एंड दैट सीड इज यू नो नाउ अ ट्री फॉर यू. तो जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके अपने एक्शंस का रिजल्ट है. सो whatever good bad ugly happens to you is because of you. you need to start blaming yourself. main dekh rahi chat mein kisi ne kuch likha to nahi hai, just for the sake of theek hai sahi hai better hai ha. to start blaming yourself. aapke sath jo bhi acha bura jaisa bhi hota hai, theek hai, wo sab aapki apni kisi na kisi action ka natija hota hai. aur ye jo hai to ये जो चीज़ है ना, ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है. कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये जो मेरे साथ हुआ है ये इसका तो मेरा कोई कसूर नहीं रहा. लेकिन इफ़ यू एक्चुअली स्टार्ट ब्लेमिंग फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग टू यू, तो आपकी जिंदगी के ऑलमोस्ट अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट, ट्राई टू यू नो ब्लेम योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग. अच्छा, तो अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ. तथीर ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया, थैंक यू तथीर. मैं जो है वो 2016 में आई वाज अ ग्रेड फ्रॉम फास्ट, और उसके बाद मैंने IBM ज्वाइन की थी, और फिर मैं TPS और के इलेक्ट्रिक और एक स्टार्टअप में भी काम किया है. सो आई हैव बीन इन यू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ corporates as well, software houses as well, startups as well. और currently मैं venture dive में as a senior software engineer Flutter पे काम कर रहा हूँ. recently मैं graduate हूँ IBA से as a MScS, Masters in Computer Science. अभी recent graduate 2020 में जुलाई में. recently मार्च में I was announced as a Google Developer Expert in Flutter from Pakistan. I am the first person and I am trying के और भी लोग आए. And it's totally open, so we don't have any cap and we don't have any such ke itne hi banenge. So whoever is eligible, he or she can, you know, just apply and go for it. Around 2 years back, I started Flutter Karachi. Flutter Karachi is Pakistan's only Flutter community that is globally recognized in Google. So hum Flutter ke events karate hain, hum Flutter ki endorsements dete hain. हम जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं और हम इवेंट्स करवाते हैं. तो बेसिकली वी आर यू नो स्प्रेडिंग फ्लटर इन एनी फॉर्म दैट वी कैन. तो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ माय सेल्फ. तो अभी आप हम इस सेशन में क्या करेंगे, सेशन में बिल्कुल छोटी सी प्रेजेंटेशन है 4 स्लाइड्स की, उसके बाद मैं कोड पर आ जाऊंगा. तो इंट्रोडक्शन दूंगा आपको 10 मिनट का कि फ्लटर है क्या, फ्लटर स्टैंड आउट किस तरह करती है, और फ्लटर में हो सकता है ये सेशन पूरे घंटे का ना हो, ठीक है, और हो सकता है सेशन 45 मिनट्स का हो या उससे भी कम. तो टाइम इज नॉट द थिंग, क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज इम्पोर्टेंट. तो आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए. तो एंड में जो क्वेश्चंस मैं लूंगा और जो चीजें आप पूछेंगे उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा. तो बात यह है कि आपको सिर्फ मोटिवेशन दी जाए कि फ्लटर इज गुड और आप मोटिवेट हो जाए ताकि आप फ्लटर आपका जो बूट कैंप है वो इंटरेस्टिंग आपको गुजरे. तो 10 मिनट के बारे में आपको मैं फ्लटर के बारे में कुछ बताऊंगा और फिर मैं कोड पे आ जाऊंगा, और कोड में मैं आपको जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से मैं आपको चीजें करके दिखाता रहूंगा भाई ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. एंड द होल आइडिया इज दैट फ्लटर इज रियली फास्ट एंड इट्स वेरी इजी टू कोड एप्स इन फ्लटर. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन. तो फ्लटर क्या है? अच्छा, फ्लटर के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, गूगल ने अपनी भी दी हुई है. तो मैंने जितना फ्लटर को पढ़ा है और जितना मैंने एक्सप्लोर किया है उसको, तो मैं उसके लिए एक वर्ड लगाता हूँ उस डेफिनेशन से पहले, वो है लिटरल का.
I always say that Flutter is literal cross-platform UI toolkit. तो literal मैं इसलिए कहता हूँ because it's actually cross-platform. तो हम जब भी cross-platform की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक concept बना हुआ है कि Android iOS. So Android iOS is not only the cross-platform. It's mobile. Cross-platform क्या होता है कि it's for Flutter is for web, Flutter is for desktop, Flutter is for embedded. Flutter is for iOS, Android, macOS, Linux, Windows, और इन सब पे. तो इट्स एक्चुअली क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चलता है. तो इसलिए मैं इसको लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म UI टूलकिट कहता हूँ. अच्छा, इट्स वेरी फास्ट. फास्ट इसलिए है क्योंकि ये मोबाइल का GPU यूज करती है. तो GPU पे सारी ग्राफिक्स रेंडर होती है. तो GPU इज ऑब्वियसली, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे नो दैट GPU इज फास्टर देन CPU. तो ये जितना भी UI Flutter बनाता है, जो पेंट करता है, वो सब GPU पे करता है. Therefore, it runs like games. किस तरह games GPU पे अपनी रेंडरिंग करते हैं, इस तरह Flutter भी GPU पे अपनी रेंडरिंग करता है पूरी खुद. Nothing with respect to the architecture. ये खुद अपनी रेंडरिंग करता है UI पे, GPU पे. Therefore, it runs very fast. और animations और games वगैरह ये बहुत फास्ट चलते हैं Flutter पे. हॉट रीलोड, यस, हॉट रीलोड मैं आपको भी दिखाता हूँ. इट्स लेस देन 400 मिलीसेकंड्स और आप राइट देन एंड देयर जो है वो बगैर बिल्ड किए, आप बगैर बार बार बिल्ड किए, आप पूरी की पूरी ऐप डिजाइन कर सकते हैं विद एक्चुअल ऐप रनिंग ऑन योर फोन. तो लेट्स मूव टू कोड. मैं इसको जो है वो स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन शेयर को, और मैं अपना वीडियो भी स्टॉप कर देता हूँ ताकि किसी का इंटरनेट अगर मसला कर रहा हो. तो जितने सवाल करो भाई, मैं ये पढ़ लेता हूँ सवाल क्या आ रहे हैं. अच्छा हाँ ठीक है, ये मैं एंड देख लूंगा एंड में. तो अभी चलते हैं कोड पे. ठीक है, तो लेट मी जस्ट शेयर माय होल स्क्रीन नाउ. ठीक है जी, तो उसको बड़ा कर देते हैं. सो यू गाइस कैन सी माय कोड एंड माय सिमुलेटर, राइट? मुझे जरा चैट में लिख के बता दो. ठीक है, सही है. अच्छा तो या सो ये कोड अब मैं आपको जरा चला के दिखा देता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं और आप इस पूरे बूट कैंप में क्या सीखेंगे. तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फ्लटर. तो इसमें आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कुछ हैंड्स ऑन करवा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ या कुछ. तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन हैं वो आपको ये मैनेजमेंट वाले बता देंगे. ठीक है, और यू विल बी लर्निंग स्टफ mostly what I'm teaching, what I'm showing you right now. जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही चीज़ आप सीखेंगे. तो आई हैव जस्ट यू नो, मैंने प्ले का बटन दबा दिया तो ये अभी एप्लीकेशन यहाँ पे चल जाएगी, बल्कि चल गई है ऑलमोस्ट. तो या अच्छा, तो अब ये देखें, ये जो सिंपल एप्लीकेशन है ये वो एप्लीकेशन है जो फ्लटर की कमांड आपको खुद बना के देती है इनिशियली. तो दिस इज द थिंग दैट यू गेट when you क्रिएट अ न्यू फ्लटर ऐप. ये कमेंट्स वमेंट्स सब दिए हुए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये फंक्शन क्या करता है और ये कॉलम क्या है, ये सब. सो यू स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर. स्क्रीन शो नहीं हो रही, पक्की बात है? आई थिंक उनका कोई पर्सनल इशू है, कोई इंटरनेट वगैरह का. बाकी गुड है सर. आपको कोड नजर आ रहा है? नहीं हो रही सर, नहीं हो रही शो. काफी देर से हम यही हो रही है सर, हो रही हमारी तो हो रही है भाई. अगर किसी एक को भी हो रही है इसका मतलब हो रही है. अगर किसी एक सर को भी हो रही है शो, जिनका इशू है दोबारा नहीं हो रहा, रिफ्रेश कर लो, दोबारा से ज्वाइन कर लो मैं भाई. आप ये जिनका इशू है वो वली दर्शक साहब की वो जो है आइकॉन है, प्रोफाइल है, उसके ऊपर क्लिक करें तो आ जाएगी स्क्रीन आपके पास. ये सही कह रहे हैं, इसको पिन कर लें, मेरी स्क्रीन को पिन कर लें तो हो जाएगी. तो अच्छा, किसी को मसला तो रिज्वाइन कर लो, वो मसला नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है. तो ये जो है वो ये रिकॉर्ड हो रही है शायद, कोई इतना इशू नहीं है. अच्छा तो भाई देखो, ये होता ये है कि ये जो आपकी फ्लटर क्रिएट की कमांड होती है ये थोड़ी सी ना इस तरह की आपको ऐप बना के दे देती है. सही है, ये आपका बटन प्रेस करेंगे आप तो ये बढ़ता जाएगा. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट यू कैन बिल्ड इन लेस टाइम इन फ्लटर. सो इसको किल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट स्टाइल. इस सेशन को मैं छोटा रखूंगा बिकॉज दिस इज जस्ट यू नो, आपको कुछ हैंड्स ऑन नहीं हो रहा तो आप सिर्फ सुन रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि वो
जो है वो इट्स नॉट एज इंटरैक्टिव एज एज इट शुड बी, बट द थिंग इज कि ये इंट्रोडक्शन जरूरी है तो आपको ये पता हो कि आप सीखने के वाले हैं. तो लेट्स जस्ट एड सम टाइटल. अच्छा ये सब काफी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा ये कोड, लेकिन आप एक्चुअली सिंटेक्स वगैरह सीखेंगे बूट कैंप में, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो यू कैन यू नो यू कैन जस्ट लुक एट इट के ये हो क्या रहा है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ. सही है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ. सब टाइटल में एक टेक्स्ट विजिट डालते हैं. एवरीथिंग इज अ विजिट इंसर्ट, तो दिस टेक्स्ट इज ऑल्सो विजिट. तो इस टेक्स्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ waleed@gmail.com. ठीक है जी. और इस लीडिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ आइकन, icons.person. ट्रेलिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ एक आइकन, icons.arrow. अब देखें मैंने अभी ये कोड लिखा है और मैंने कुछ नहीं किया अभी तक. मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, सही, सेव करूंगा और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट विदाउट द नीडिंग ऑफ बिल्डिंग द ऐप अगेन, विदाउट रनिंग इट अगेन. कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ कंट्रोल एस करूंगा एंड यू कैन सी द चेंज राइट. तो ये देखें ये छोटा सा एक विजिट आ गया. इसका नाम है लिस्ट स्टाइल. तो आप ये देखें कि ये 5 लाइन का कोड है और 5 लाइन के कोड में ये पूरी एक अच्छी सी यूआई बन गई. तो यू जस्ट जिन लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म से काम किया है, ठीक है, वो उनको अंदाजा होगा कि ये इस तरह की यूआई बनाने में कितने लाइन ऑफ कोड और कितना सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. तो मैं आपको जस्ट फॉर द फैक्ट कि आपको पता हो कि यहाँ हुआ क्या है. तो एक आइकन है, ठीक है, उस आइकन के इस तरफ से जो स्पेसिंग है ना वो ऑटोमेटिकली ये खुद विजिट लेके आ रहा है अपना. मैंने कहीं कोई स्पेसिंग कोई पैटर्न नहीं दी. इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है, इधर से स्पेसिंग है, ये सब गूगल की मटेरियल गाइडलाइंस के हिसाब से डिजाइन होके आता है अंदर विजिट से अंदर. तो ये इस तरह के विजिट फ्लटर ने बहुत सारे दिए हैं जो कि मटीरियल से कंप्लाई करते हैं और आपको डिजाइन गाइडलाइंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. सो यू जस्ट नीड टू कोड योर यूआई. तो अब ये देखें कि ये सबटाइटल और टाइटल का टेक्स्ट का स्टाइल भी जो है ना वो अंदर से उठा रहा है खुद से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो ये सब डिजाइन के कंपोनेंट्स हैं. अभी अगर मैं इसको और ये यूज कहाँ होता है, ये जो कंपोनेंट मैंने बनाया है ये अगर आप मैं इसको लिस्ट बना दूं तो देखें अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि ये इस तरह की चीज आप अक्सर व्हाट्सएप में या ईमेल की ऐप में इस तरह देखते हैं. तो अब मैं इसको और थोड़ा सा सटल कर दूंगा ना, इसको मैं सटल कर देता हूँ थोड़ा सा और वो इस तरीके से कि मैं इसको यहाँ पे एक सर्कल एवेटार दे देता हूँ. इसके अंदर ले देता हूँ चाइल्ड टेक्स्ट WA इनिशियल्स. तो ये देखें अब आपको थोड़ा सा और फील आ रहा है कि हाँ ये ईमेल की या व्हाट्सएप की कोई यूआई है छोटी सी जिसमें इधर पिक्चर आ रही होती है, इधर कुछ आ रहा होता है, इधर कुछ आ रहा होता है, यहाँ पर डेट वगैरह या कुछ चेक मार्क्स आ रहे होते हैं. तो वो सब आप वो इस तरीके से बन सकता है फ्लटर में. अच्छा ये तो नॉर्मल सी यूआई हो गई, ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, थोड़ा सा डिजाइन. ये मतलब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको तो जस्ट फॉर द फैक्ट कि आप पता हो गए भाई फ्लटर में कितना आसान है सब करना, ठीक है. तो मैं इसके अंदर रैप विद द कंटेनर करता हूँ. इस कंटेनर को डेकोरेशन देते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, कलर दे देते हैं colors.green, ग्रीन एक्सेंट, ठीक है. तो ये देखें ये ग्रीन हो गया. और मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10, ठीक है जी. और ये देखें आप थोड़े से बॉर्डर इसके अब राउंड हो गए. तो अभी भी ये थोड़ा सा ये साइडों से थोड़ा सा चिपका हुआ है तो इसको भी हम थोड़ी सी इसको कोशिश करते हैं इसको सही करने की. पैडिंग दे देते हैं इसके अंदर, सॉरी ये गलत हो गया, एज इंसर्ट डॉट ऑल 8 16, ओह सॉरी मार्जिन आ गया. तो ये देखें अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ खूबसूरती आ रही है यूआई में. और ये देखें ये सब मैंने आपको विद इन 2 मिनट्स विद इन 3 मिनट्स ये करके दिखाया विद फ्लटर. तो ये द होल पॉइंट इज कि इट्स फास्ट, इट्स डेवलपर फ्रेंडली. मैंने जो है वो कोई आईओएस के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया. ये सिंपल सी ये जो पूरा कोड है, जो फाइल्स हैं,
ये सब फ्लटर ने खुद बना के दिए, ये आपको इस बूट कैंप में सब सिखाएंगे कि ऐप कैसे क्रिएट करते हैं और सब, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट फॉर द फैक्ट कि ये एक छोटा सा कंटेनर खूबसूरत सा मटेरियल गाइडलाइंस के हिसाब से सही 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 पैडिंग है इसकी चारों तरफ से और राउंड बॉर्डर्स हैं जो जो आप देखते हैं अक्सर एप्स में साफ सुथरी यूआई, तो वो उस तरह की चीज़ें आप आराम से फ्लटर में बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो नॉर्मल सी यूआई है ना, स्टैटिक सी यूआई, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वलीद है यहाँ पे लिस्ट आ जाए यूजर्स की, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक यूजर की लिस्ट हो, जैसे कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, इसका नाम हो यूजर नेम्स, ठीक है, इक्वल्स टू इसमें लिस्ट दे रहा हूँ वलीद, ठीक है, अहमद, ठीक है, और डी एस सी पाकिस्तान कर देता इसको, ठीक है। तो ये अब चार लिस्ट आ गए, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इन चारों के लिए एक एक टाइल बन जाए, मतलब चार टाइल्स आ जाए यहाँ पे। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस लिस्ट के अंदर से एक एक आइटम उठाऊं, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे तीन तीन और डाल दूं, लेकिन वो गलत काम हो जाएगा, मतलब उसके लिए फिर वो लिस्ट व्यू का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो उसका अच्छा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको तो कर देते हैं नीचे कहीं रख देते हैं इसको फिलहाल, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक कि हम यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक लिस्ट व्यू। अब लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ये सेल्फ काफी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या करेगा कि डायनेमिक लिस्ट के अंदर से, ये जो ये इसके लिए डायनेमिक लिस्ट है, सही है, तो इसको नहीं पता कि इस यूजर नेम में कितने आइटम्स हैं, इसके अंदर क्या क्या है, कितने आइटम्स हैं, तो ये जितने भी आइटम्स होंगे इस यूजर नेम में, ठीक है, उतने आइटम्स की लिस्ट बन जानी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विच डायनेमिकली बिल्ड्स लिस्ट फॉर यू। इसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट जाएगा और एक इंडेक्स जाएगा, ठीक है। अब ये इंडेक्स मुराद क्या है, इंडेक्स मुराद ये कि इस इंडेक्स पे ये आइटरेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेके आएंगे अपना जो कंटेनर हमने नीचे रखा था, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं पूरा कोड, और यहाँ पे आके रिटर्न के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ये क्यों दे रहा है, अरे यार ये बड़ा मसला है, ये कुछ फॉर्मेटिंग आउट हो गई इसकी। अच्छा, ठीक है, तो ये मैंने रिटर्न कर दिया कंटेनर यहाँ से। इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को आपको यहाँ पे आइटम काउंट देना पड़ेगा। अच्छा भाई, सिंटैक्स से परेशान नहीं होना, ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, वो सब आपको इस पूरे बूट कैंप में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज की। अच्छा, मैंने किया क्या है, सिंपल से मैंने किया है कि इसको आइटम काउंट दिया और इसको बताया कि इस लिस्ट में कितने आइटम्स होंगे जितने इस यूजर नेम के अंदर है, यूजर नेम के अंदर कितना आइटम्स हैं, ये चार आइटम ये भी हमने बनाए, ठीक है। और इसके अंदर कंटेनर के अंदर टेक्स्ट की जगह वलीद नहीं आएगा, अब टेक्स्ट की जगह आएगा यूजर नेम्स का इंडेक्स। ये सबटाइटल हटा देते हैं क्योंकि ये हमने किया नहीं है, और इसके अंदर हम दे देते हैं यूजर नेम का इंडेक्स डॉट सबस्ट्रिंग 0, 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस यूजर नेम का जो यूजर नेम है, ठीक है, वो तो आ जाएगा इधर, और इसके अंदर आ जाएगा इसके दो फर्स्ट इनिशियल्स, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं कि चला नहीं चला, ये अभी चलेगा नहीं, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हम लिस्ट बनाइए, ये देखिए ये आ गया, ये चार सिंपल से यूजर नेम आ गए, इन सब के इनिशियल्स यहाँ आ गए, ठीक है, और ये अच्छी सी खूबसूरत सी यूआई बन गई। इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि ये ऑल नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से इसकी पैडिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी पैडिंग सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टली इसकी पैडिंग 16 होनी चाहिए और वर्टिकली इसकी पैडिंग 8 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसका मतलब ये कि इस टाइल के हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब इधर से और इधर से पैडिंग 16 हो, और वर्टिकली मतलब ऊपर और नीचे से 4 हो। अभी ऊपर नीचे से भी 16 थी तो ये ऑड लग रहा है, अब सही लग रहा है। तो यू सी, देखें लिस्ट, ये लिस्ट है तो ये इट्स स्क्रॉलेबल, तो अगर मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो ये पूरी नीचे से चली जाएगी। सो यू सी के ये इट्स रियली सिंपल टू बिल्ड नॉर्मल सी लिस्ट इन फ्लटर। और अभी मैं आपको 8:25 होना, तो मैं आपको एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ।
and then you guys can, you know, you guys can try it out and you guys can follow the whatever the plan is. तो एक चीज और करके दिखाता हूँ, वो ये है कि डायनेमिक डेटा लेके आते हैं कहीं से. तो डायनेमिक डेटा के लिए एक चीज होती है जेसन प्लेस होल्डर, जो आपको फेक एपीआई देता है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन में वो टेस्ट कर सकें. तो अब मैं आपको एक एपीआई कॉल करके दिखा रहा हूँ ये इस यूजर्स की. तो देखें यूजर्स आ रहे हैं आपके पास, ये एक एरे है, तो मैं जूम कर लेता हूँ. ये एक एरे शुरू हो रहा है, इस एरे के अंदर ये पहला आइटम है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक. और ये इस आइटम में क्या है, आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, फलाना, ये सब चीजें. तो ये और ये 10 है टोटल, इस तरह के 2, 3, 4, 10 तक, ठीक है. तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 के 10 यूजर जो है ना, ये मेरी ऐप में पॉपुलेट हो जाए किसी तरह, और ये मेरा इसका लिंक है. तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें सिंपल सी बात है कि 2-3 चीजें हैं. पहली चीज तो ये है कि आपको इस लिंक को कॉल करने के लिए एक नेटवर्क कॉल लेनी पड़ेगी. नेटवर्क कॉल का मतलब क्या है कि आपको कोई एपीआई कॉल, कोई एचटीटीपी के थ्रू नेटवर्क कॉल लेनी पड़ेगी. तो उसके लिए फ्लटर में एक पैकेज होता है, जो आप जाएंगे pub.dev पे और यहाँ पे आप लिखेंगे HTTP. ये आपको देगा एक लाइब्रेरी जो कि किसी ने लिखी है, फ्लटर के अपने लोगों ने लिखी है. और उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इस तरह ये API कॉल करेंगे, वो आपको डेटा ला देगा. तब क्या करेंगे हम, इसका तरीका ये है कि इंस्टॉलिंग पे जाएंगे आप, इसमें से ये कॉपी करेंगे डिपेंडेंसीज के अंदर HTTP, ये कॉपी किया आपने और यहाँ पे आएंगे pubspec.yaml, ये फाइल है. इसके अंदर डिपेंडेंसीज का एक वेरिएबल है, इस डिपेंडेंसीज में फ्लटर के नीचे इंडेंटेशन में फ्लटर के नीचे आपको वो पेस्ट करना है HTTP. तो HTTP पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके प्लगइन आईडी में ये ऑप्शन होगा पब गेट का, और ये यहाँ पे पैकेजेस गेट कर लेगा. तो इसका मतलब इस HTTP का जो कोड है वो अब आपने इंटरनेट से गेट कर लिया, तो अब आप इस HTTP के अंदर जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अब मुझे जो काम करना है वो ये है कि मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि कहेगा फेच यूजर्स फ्रॉम नेटवर्क, सही है. और ये फंक्शन होगा एसिंक. अच्छा, एसिंक क्यों लिख रहा हूँ, ये सब कीवर्ड, ये सब आप इस बूट कैम्प में मोस्ट प्रोबेबल भी सीखेंगे आप, तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे. मैं ये कीवर्ड्स कहाँ से, मुझे ये सब कर करके मुझे पता है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये सब चीजें याद हो जाएंगी कि ये सब करना होता है नेटवर्क कॉल करने के लिए. अब नेटवर्क कॉल मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसके रीडमी में जाऊंगा और यहाँ पढ़ूंगा कि नेटवर्क कॉल ही करता कैसे. तो ये आपका इम्पोर्ट है, तो मैं ये इम्पोर्ट उठाऊंगा यहाँ से और मैं यहाँ से यहाँ पे जाके इम्पोर्ट की कमांड डाल दूंगा सबसे पहले. तो डाल दी, उसके बाद मैं जहाँ पे जाऊंगा उसको बोलूंगा कि भाई रिस्पॉन्स URL रिस्पॉन्स दोनों उठा लेते हैं और ये पूरा उठा लेते हैं प्रिंट रिस्पॉन्स, ठीक है. और मैं अपने फंक्शन में ये चीज पेस्ट कर दूंगा कि मुझे ये API कॉल करनी है और ये example.com की जगह यहाँ मेरा अपना लिंक आएगा. और वो लिंक क्या है, वो ये है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अब इसके अंदर जो यूजर्स हैं वो मेरे पास रिटर्न हो जाने चाहिए. अच्छा, ये पोस्ट की कॉल नहीं है, गेट की कॉल है. ये क्या होती है ये भी आप इस सीख लेंगे विद टाइम. तो ये मैं अभी आपको इतना क्लियर नहीं करूंगा कि ये क्यों है. दो बहुत सारी तरह की कॉल्स होती हैं, पोस्ट, गेट, डिलीट, पुट. तो गेट का मतलब होता है कि यू जस्ट नीड टू गेट द डेटा, यू जस्ट नीड टू कॉल अ URL एंड गेट ऑल द डेटा विच विद इन दिस URL. पोस्ट के अंदर क्या होता है कि आप कुछ डेटा डेटाबेस में भिजवाना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट करते हैं. तो दिस इज सिंपली गेट. तो हम यहाँ पे URL लगा दिया है, इसको गेट करेंगे, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स पार्स हो जाएगा, स्टेटस कोड और रिस्पॉन्स की बॉडी प्रिंट हो जाएगी. तो ये प्रिंटिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है. अब हम इसको चला के देखते हैं. तो फेच यूजर्स फ्रॉम नेटवर्क को कॉल भी तो करना होगा कहीं से. तो उसको कॉल करने का तरीका ये है कि हम जैसे ही पेज पे लैंड हो तब कॉल हो जाए. तो इनिट स्टेट इज द वन विच इज कॉल्ड व्हेन द पेज इज ओपन. तो जब भी ये वाला पेज खुलेगा तो इनिट स्टेट कॉल होगा, ये ओवरराइडेड फंक्शन. और इसके अंदर आप ये फंक्शन कॉल कर दिया आपने, तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये नेटवर्क कॉल करेगा, लेके आएगा प्रिंट, रिस्पॉन्स प्रिंट कर देगा. तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज प्रिंट होनी चाहिए उसूलन, अगर हमने काम सारा सही किया है तो. तो लेट्स जस्ट रीस्टार्ट दिस ऐप एंड सी के हमारे रन कहाँ है, वो डिबग कहाँ है भाई. ये देखें, ये इसने सब चीजें प्रिंट कर दी, यू कैन सी दैट राइट. तो ये इसने रिस्पॉन्स स्टेटस प्रिंट कर दिया और ये बॉडी पूरी प्रिंट कर दी जो कि हमारे यूजर्स वहां पे शो हो रहे थे, ये एज इट इज ये वाली बॉडी है, ठीक है.
अब हमें इसको यहाँ शो कराना है, ठीक है? तो इसको यहाँ शो कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे मैप ले लेंगे। इसका एक और तरीका भी है वैसे, लेकिन हम फिलहाल मैप ले लेते हैं। मैप स्ट्रिंग डायनेमिक इक्वल्स टू यूजर्स टू मैप स्ट्रिंग डायनेमिक। ठीक है, तो ये एक मैप ले लिया। अच्छा, मैप क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर, आईडी के अगेंस्ट एक कुछ, नेम के अगेंस्ट कुछ, यूजर नेम के अगेंस्ट कुछ, ईमेल के अगेंस्ट कुछ। तो ये सिंपल सी मैप है, डिक्शनरी है। कुछ कुछ इसको अदर दूसरी लैंग्वेज में इसको डिक्शनरी भी बोलते हैं। तो ये हमने यूजर्स बना लिया। अब इस यूजर्स के अंदर इस पूरे डेटा को बिठा देते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसको बोलेंगे हम var map equals to json decode response dot body। ठीक है, json decode आपको क्या रिटर्न करेगा, मैप रिटर्न करेगा। यस, ठीक है, एज लिस्ट, ये लिस्ट आ रही है हमारे पास, हम लिस्ट रिटर्न करेंगे। देखें, ये लिस्ट है, स्टार्ट में एरे का ऑब्जेक्ट, उसका मतलब लिस्ट आ रही है पीछे से। ठीक है, और ये इसको हम यहाँ पे इस मैप को बजाय इसको लिस्ट कर देंगे। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ यूजर्स विच इज अ लिस्ट ऑफ मैप। ठीक है, अब इस यूजर्स को इसके इक्वल कर देते हैं। तो ये लिस्ट आ गई, ठीक है, और इस लिस्ट को हम यूजर्स को इक्वल कर देते हैं। यूजर्स, यूजर्स है ना ये, हाँ यूजर दिया, इक्वल्स टू मैप, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो गया ना। और नीचे कर देंगे सेट स्टेट, ताकि यूआई को पता चल जाए कि हमारा मैप अपडेट हो गया। तो अब क्या होना चाहिए, अब ये जैसे यूजर सेट होंगे तो ये यूजर यहाँ पॉपुलर हो जाने चाहिए, लेकिन अभी होंगे नहीं, क्योंकि इस यूजर को हमने नीचे यूआई में बिठाया नहीं। तो अभी क्या करेंगे, हम इस यूजर नेम्स की जगह यूजर्स कर देंगे, और यहाँ पे यूजर नेम्स का इंडेक्स के बजाय, हाँ इंडेक्स के आगे कीज उठा लेंगे, ये वाली नेम की। तो यहाँ नेम की आ जाएगी, और ये कह रहा है कि यूजर्स के अंदर यूजर्स इंडेक्स ऑफ नेम। तो हमने यूजर्स की जगह, यूजर नेम्स की जगह, तो हमने यूजर नेम्स की जो लिस्ट थी ये वाली, हम इसको यूज ही नहीं कर रहे, तो उसको उड़ा देते हैं। ठीक है, और हम इस वाले यूजर्स को लिस्ट यूज कर रहे हैं, जो कि यहाँ से पॉपुलेट होगा जब ये एपीआई कॉल हो जाएगी। तो ये हमने कॉल कर दिया। अब यूजर्स के अंदर जो नेम है वो यहाँ आना चाहिए, और जितने भी हैं वो सब पॉपुलेट हो जाना चाहिए। तो अभी इसको रिस्टार्ट करते हैं, हो सकता है ये क्रैश हो जाए या कोई रेड स्क्रीन दे। अच्छा, कुछ नहीं दिया इसने। ओके, तो ये कुछ हुआ है, और ये कुछ कुछ हमने कुछ गड़बड़ कर दिया जिसकी वजह से प्रिंट नहीं हुआ है। तो यूजर्स डॉट लेंथ के अंदर, कंटेनर के अंदर यूजर्स का इंडेक्स डॉट नेम, और ये मैप के इक्वल भी कर दिया हमने इसको। सॉरी, ये कुछ फटाया है ना, कुछ सिंपल लिस्ट ऑफ डायनेमिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ मैप डायनेमिक एक्जेक्टली एज लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग। ओके, अब चलेगा ये, शायद चल जाना चाहिए। तो उसूलन ये अच्छा, इसमें भी कुछ तो नहीं, कुछ, हमने ऐड की है एक डिपेंडेंसी, तो इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, रिस्टार्ट कर दिया मैंने, ये यहाँ पढ़ रहा है। ये कभी कभी जो है ना, ये इसका सिंटैक्स याद रखना भूल जाता हूँ मैं। तो इसका एक और तरीका भी है वैसे तो, लेकिन ये जेसन डिकोड जो आपको रिटर्न कर रहा है, ये लिस्ट ऑफ मैप ऑफ स्ट्रिंग और डायनेमिक एज लिस्ट, जेसन रिस्पॉन्स बॉडी एज लिस्ट मैप, हाँ चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो इसका एक और तरीका चला देंगे इसको, मैं ये नहीं मान रहा। अच्छा, इसका एक तरीका और है, इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने पूरा जो है वो यूजर्स, यूजर एक उठाया आपने, और एक एक सिंपल सी वेबसाइट है। ये आसान तरीका मैं बता नहीं चाह रहा था आपको, लेकिन अब सिंस ये अजीब सा मैप का मसला आ गया, तो एक वेबसाइट है जेसन
टू डार्ट, एक बंदे ने प्लगइन लिखा है गिटहब पे और उसने ये ओपन सोर्स किया हुआ है। तो आप यहाँ पे अपनी जेसन पेस्ट करेंगे और यहाँ पे देंगे यूजर और ये आपको डार्ट जनरेट करके दे देगा पूरी। तो ये पूरी डार्ट फाइल आपको जनरेट कर देगा और ये आप उठाएं कॉपी करें ये जो लेफ्ट साइड पे पॉइंटर की ओपन है ना, इसको काइंडली क्लोज कर दें ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। सर वलीद आपकी आवाज नहीं आ रही, तो अब देखें माइक तो नहीं म्यूट आपका। अब आ रही है आवाज? आ रही है जी, आ रही है सर, आ रही है। सही है, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ यूजर्स आ गए, लिस्ट ऑफ यूजर्स के अंदर से ये आ गया map.e। अब तो चलना चाहिए ये, इसको लिस्ट कर देते हैं वापस। क्या हो गया? ओ सॉरी, इसको डॉट नेम करना पड़ेगा ना, को डॉट नेम करना पड़ेगा। आइया, तो ये आप सिंपल सी आपने API कॉल की और API कॉल करके आपने, एक मिनट यार, API कॉल करके आपने डेटा मंगवाया और उस डेटा को आपने यहाँ पॉपुलेट करा लिया सिंपल एक UI में सिंपल। तो अच्छा, इसका जो मैं मैप से कर रहा था ना, वो मैप से इसलिए कर रहा था ताकि मैं कीज एक्सेस कर सकूँ ये वाली डायरेक्ट, लेकिन वो कीज जो है वो डायरेक्ट अब क्लास में एक्सेस हो रही है। आप देख रहे हैं, ये देखें इस तरह डायरेक्ट क्लास में एक्सेस हो रही है कीज। ये तरीका है सिंपल, जो एक बंदे ने कोड लिख दिया जो हम रिपीटेडली लिखते हैं हम यहाँ पे, तो एक बंदे ने एक प्लगइन बना दिया जो कि आपके सारे कोड को उठाता है और वो यहाँ पे जाके कन्वर्ट कर देता है सारी चीजें आपके जेसन का डार्ट का ऑब्जेक्ट में। तो आपको ये सब कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जो आप ये सब लिख रहे हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि अब जब भी जैसे API में पैरामीटर चेंज हुआ है, एड्रेस की जगह कुछ और आ गया, तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और बाकी आपका ये वाला पैरामीटर सेम रहेगा, तो आपका पूरा कोड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। तो इसलिए हम इस तरह की क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जब हम किसी प्रोडक्शन लेवल ऐप पे काम करते हैं, तो उस तरह की ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो सिंपल सा भाई ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फ्लटर का। अभी 8:40 हुए हैं, ठीक है, सो वी स्टिल हैव टाइम। तो आपके जितने भी सवाल हैं वो आप कर लो और मैं उनको आंसर कर देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ और मैं जो है वो वापस आ जाता हूँ गूगल मीट पे। मैंने आपको हैंड ऑन नहीं कराया और ना मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं इसमें मैंने आपको सिखाया नहीं है कुछ, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि आप क्या सीखने वाले हैं इस बूट कैंप में, ठीक है। तो देखो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप कराए तो थोड़ी ना स्पीड थोड़ी स्लो रखिएगा ताकि सब जो बिगिनर्स हैं उनको जरा अच्छा सही तरह समझ। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन लो। ये जो पूरा जो सेटअप है ना बूट कैंप का, ठीक है, ये तथीर और इन लोगों ने मिलके, TSC वालों ने मिलके कराया, ठीक है। इसका एजेंडा मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर इफ 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 इट्स फाइन फॉर मी टू टेल। तो इसका ये है कि भाई देखो, ये जो हर बूट कैंप के लिए ना अलग अलग लोग तुम्हें सिखाएंगे चीज, ठीक है, कोई कुछ सिखाएगा कोई कुछ सिखाएगा। तो आई वॉज ओनली देयर फॉर द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं आगे के बूट कैंप्स के लिए नहीं आऊंगा, ठीक है, मैं आगे के बूट कैंप्स में वर्कशॉप भी नहीं दूंगा। दिस वॉज जस्ट टू मेक यू गाइज लुक ओवर हाउ फ्लटर इज, फ्लटर काम किस तरह करती है, फ्लटर में कोडिंग का एक्सपीरियंस क्या है, कोडिंग होती किस तरह है, ये मैंने आज ये नहीं बताया कि कोडिंग किस तरह होती है। हाँ जी, जो रेज हैंड कर रहा है बोल रहा है। Excuse me, sir.
सर जी, मेरा सवाल ये है कि हम फ्लटर के अंदर कौन कौन सी ऑनलाइन डेटाबेस कौन सी यूज करेंगे फायरबेस के अलावा? अच्छा एक मिनट यार, अब मुझे जरा जो है ना सवाल पढ़ने दो, क्योंकि चैट में जो है ना कुछ सवाल भी आए हैं, तो मैं पहले वो सवालों के आंसर कर दूं, फिर जो है वो तुम लोगों के सवाल आंसर कर देता हूँ। तो यार ये पता नहीं कि बहुत लंबी चैट हो गई है। अच्छा एक एक काम कर लें, जिन एक मिनट कहना चाहूंगा कि अगर आप ये चैट के साथ एक टैब है क्वेश्चन आंसर्स की, अगर वहां जाके आप क्वेश्चन पूछें तो आप वहां से मतलब क्वेश्चन रैंक भी हो सकते हैं, वहां से इजीली देख भी सकते हैं। तो आप सारे जो अटेंडेंट हैं वहां जाके क्वेश्चन पूछें। अच्छा सर, बात ये है ना कि मैंने रिसेंटली अभी पाइथन पढ़ी है। सो सर, अभी हमने जो भी इंट्रो दिया ना, तो कसम से सारा का सारा सर के ऊपर से गुजरे, कुछ भी नहीं समझ आया। बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जब मुझे किसी ने इंट्रोडक्शन दिया था ना, तब मेरे भी सर पे से निकला था। बात ये नहीं है, बात ये है कि फ्रेमवर्क इज नॉट द थिंग, इट्स फ्रेमवर्क तो सिर्फ सिंटैक्स है। सिंटैक्स तो तुम सीख लोगे, तुम एक महीने में सीख लोगे, दो हफ्ते में सीख लोगे। द पॉइंट इज कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं सिंपल, किसी भी टेक्नोलॉजी को। तो सिंटैक्स से परेशान नहीं हूँ, मैं बार बार कोडिंग करते हुए बोल रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ ना, अच्छा म्यूट कर दो अपना माइक, तुम्हारी आवाज पीछे से वो आ रही। तो मैं बार बार कोडिंग करते हुए भी ये बोल रहा था कि कोड में जो लिख रहा हूँ उसको फॉलो नहीं करो, ठीक है? वो मत देखो मैं क्या लिख रहा हूँ और इसका मतलब क्या है, ये सब तुम्हें इस बूट कैंप में सीख जाओगे या तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा। ये तो सब तुम सीखना चाहोगे। द होल थिंग इज कि तुम लोगों को मोटिवेट करना और तुम लोगों को बताना कि भाई फ्लटर में जिन लोगों ने एंड्रॉयड और आईओएस यूज किए ना, और जिन लोगों ने एंड्रॉयड आईओएस में चीजें बनाई हैं, ठीक है, उनको अंदाजा होगा कि ये जो पूरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये कितना फास्ट है, कितना रेलेवेंट है। और अभी मैं एंड्रॉयड सिमुलेटर खोलूंगा, डायरेक्ट सीमलेस एंड्रॉयड पे चल जाएगी बगैर किसी कोड चेंज के। तो दिस इज रियली रियली ग्रेट अबाउट फ्लटर। तो मैं आज जो मेरा सेशन था ना, दिस वॉज ऑल अबाउट टेलिंग यू गाइज कि फ्लटर क्या है, अब फ्लटर करना कैसे है, ये आगे के बूट कैंप में तुम्हें लोग सिखाएंगे। जो पूरी मैनेजमेंट का प्लान है वो पूरा प्लान चलेगा, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लो। हाँ मैं क्यू एन ए टाइप में देख लेता हूँ। इफ इट इज यूजिंग जीपीयू कंटिन्यूअसली देन यू विल नॉट ड्रेन मोर बैटरी देन। जी नहीं भाई, जीपीयू कंटिन्यूअसली यूज करने का मतलब ये नहीं है कि वो गेम की तरह आपकी बैटरी खाएगा। जीपीयू का यूज करने का मतलब ये है कि वो अपनी यूआई को जीपीयू पे बनाएगा, दैट्स इट। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बैटरी ड्रेन करना शुरू कर देगा। पूरी दुनिया में फ्लटर की एप्स चल रही है, तो दे डोंट ड्रेन अ लॉट ऑफ बैटरी। जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं वो लोग क्यू एन ए में जाके लिख लें सवाल, क्योंकि मैं क्यू एन ए सब जवाब दे रहा हूँ ताकि सबको चांस मिल जाए। सर मैं जो भी दिल चाहे यूज कर सकते हो, जो भी दिल चाहे, हाँ AWS भी यूज कर सकते हो, फायरबेस भी यूज कर सकते हो और MongoDB भी यूज कर सकते हो, जो दिल चाहे यूज कर सकते हो। तुम अपना मिडलवेयर बना के कनेक्ट कर लो, जो करना है करो, ये बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह दूसरी एप्स नेटिव एप्स कनेक्ट होती हैं बिल्कुल उसी तरह कनेक्ट होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कैन वी यूज फ्लटर टू इम्प्लीमेंट बैकएंड ऑल्सो और इट इज जस्ट फॉर यूआई? देखो डार्ट के अंदर बैकएंड लिख सकते हैं। फ्लटर जो है ना वो बेसिकली यूआई फ्रेमवर्क है फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स। तो जिस तरह आप एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड की यूआई लिखते हैं, आईओएस के अंदर आईओएस की यूआई लिखते हैं, उसकी जो स्विफ्ट लैंग्वेज है, उसकी जो जावा लैंग्वेज है ना, वो जावा के अंदर आप शायद बैकएंड लिख सकते हैं, ऑब्वियसली जावा के अंदर लिख सकते हैं। तो डार्ट के अंदर शायद आप बैकएंड लिख सकते हो, बट फ्लटर इज स्पेसिफिक टू द यूआई टूलकिट। कैन वी यूज माई एक्सक्यूएल विद फ्लटर? बिल्कुल भाई, एक प्लगइन है जिसका नाम है एसक्यूएल एफ लाइट करके कुछ, तो वो जाके सर्च कर लो, तुम बिल्कुल माई एक्सक्यूएल वाली सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। तो उसके लिए वैसे MySQL यूज करना नहीं चाहिए, वो ऑन डिवाइस डेटाबेस होता है, तो आपको जो है वो डेटाबेस कहीं बैकएंड में रखना चाहिए, मतलब दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। इसको सीखने के लिए क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? भाई कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। मैंने एक वर्कशॉप कराई थी जिसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट आया था और उसने गूगल मैप्स की इंटीग्रेशन कर ली थी विद इन 4 आवर्स। तो मैं हैरान रह गया था कि यार इसको तो कोडिंग ही नहीं आती, या ये तो इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट है, इसने कैसे कर लिया? तो ही जस्ट फॉलोड कोड लैब फ्रॉम गूगल और उसने जो है वो 4 घंटे में गूगल मैप्स इंटीग्रेट करके और पता नहीं क्या क्या उसने बहुत सारी साइंस लगाई थी, तो इट वाज गुड इनफ। फ्लटर क्यों यूज करे, रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं? देखो ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं और ये सवाल बड़ा अच्छा भी है और पूछना भी चाहिए, क्योंकि जो है ना अच्छी अच्छी बातें तो सब कर लेते हैं बट जो तल्ख बातें हैं ना वो नहीं हो पाती किसी से भी। तो इसका जवाब मैं देता हूँ कि भाई आप रिएक्ट नेटिव यूज करें, मत करें फ्लटर यूज, कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करें।
अगर आप रिएक्ट नेटिव यूज करते हैं फिर आप फ्लटर यूज करते हैं, तो आप दोनों में डिफरेंशिएट करके खुद डिसाइड करें कि आपको क्या चीज पिक करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर एप्स के लिए फ्लटर यूज करें। ऐप डिपेंडेंट, ये ऐप डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और आप जो है वो जिस जो जिस तरीके की ऐप आप बनाना चाह रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को आप यूज करेंगे। सर किस तरह की ऐप बनाई जा सकती है फ्लटर से? भाई 90% ऐप्स आप बना सकते हैं, 90% तरीके की ऐप्स आप बना सकते हैं, हर तरीके की ऐप। इवन के अब जो राइड हेलिंग ऐप्स हैं, मतलब जिस तरह उबर करीम टाइप ऐप्स, वो भी अब बन रही हैं फ्लटर पे, तो यू पॉसिबिलिटीज काफी खुल चुकी हैं और आप ऑलमोस्ट हर तरह की ऐप बना सकते हैं फ्लटर पे। इट्स नॉट एन इशू नाउ। सर बैंकिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, सिक्योर सिस्टम। भाई बैंकिंग की एप्स टीपीएस बना रहा है फ्लटर पे, हमने ही वहाँ शुरू किया था। मैंने खुद एक बैंकिंग की ऐप पे काम कर रहा हूँ अभी रिसेंटली, यूरोप की एक बैंकिंग की ऐप है वो काम कर रही है, और बिल्कुल उस पे फ्लटर की ऐप बन रही है, उस पे कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स खुद बनाते हैं पहले के कुछ बने हुए पड़े हुए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स? यार देखो देखो सिक्योरिटी में मैंने बहुत टॉक्स भी दी है, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिए ये होता है कि यू यू प्रेफरेबली कीप थिंग्स ऑन बैकएंड, ये बैकएंड सिक्योर होना चाहिए, और जो आपकी कम्युनिकेशन है बैकएंड से वो सिक्योर होनी चाहिए HTTPS के थ्रू। तो बाकी तो जो है वो जो जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बिल्कुल फ्लटर में भी हैं, आपको मिल जाएंगे। आपको खुद हाथ से शायद कुछ लिखना ना पड़े, ऐसा नहीं है। आपको जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जनरली वो आपको मिल जाएंगे फ्लटर में भी, तो उसकी टेंशन नहीं करनी है। कैन फ्लटर यूज लोकल DB ऑफ फोन एज वेल एंड GPS etc? बिल्कुल जी, लोकल DB यूज कर सकते हैं फ्लटर पे, आप GPS भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ मैंने भी बताया आपको कि मैप्स की ऐप लोग बना रहे हैं तो वो सब यूज कर सकते हैं, कोई इसमें कोई आपकी रोक टोक नहीं है और कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। इज इट वर्किंग ऑन GPU जो मोबाइल के लिए हम बनाते हैं, बिल्ड करते हैं iOS के लिए जो बिल्ड करते हैं, तो वो हम मैक चाहिए उसके लिए, मैक चाहिए होगा उसके लिए, मैक चाहिए होगा। iOS की बिल्ड नहीं कर सकते आप विंडोज पे, iOS आप विंडोज पे कोडिंग करें सारी फ्लटर की, एंड्रॉइड पे टेस्ट करें और वो कोड उठा के ले जाए मैक पे, सीमलेसली चल जाएगा, लेकिन आप चला नहीं सकते उसको विंडोज पे। इज इट वर्किंग ऑन GPU देन मोबाइल्स विच हैव लो स्पेक्स कैन नॉट रन योर फ्लटर देन बाय फ्लटर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल GPU पे चल रही है तो लो स्पेक्स में मोबाइल रन नहीं कर सकते। अगर आपने फ्लटर की इंट्रोडक्टरी वीडियोज देखी हो जिनमें फ्लटर की टीम जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी फ्लटर को, तो उन्होंने 2011-2010 के फोन पे चलाई थी फ्लटर और सीमलेस चल रही थी, सीमलेस। जिन पे नॉर्मल ऐप सही नहीं चलती उन पे फ्लटर ऐप सही चल रही होती, तो ऐसा नहीं है। ये GPU से मुराद ये मत समझे आपके ये हैवी गेम की तरह है, नो। GPU से मुराद ये है कि वो अपनी रेंडरिंग GPU पे करती है, इसलिए वो फास्टर है, मतलब वो चलती तेज है दूसरी ऐप्स। दूसरी ऐप CPU यूज करती है, फ्लटर GPU यूज करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैटरी ड्रेन करेगा, इसका मतलब है कि वो दूसरी ऐप से ज्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा। जिसका हैंड रेज हो रहा है वो अपना क्वेश्चन लिख दे Q&A में, मैं Q&A से लाइन से पढ़ता हुआ जा रहा हूँ क्वेश्चंस। कैन वी क्रिएट मोबाइल गेम्स ऑन फ्लटर? बिल्कुल भाई, कल एक टॉक होगी ऑनलाइन सकीना अब्बास की, वो फ्लटर कराची की एक सीनियर मेंबर है, वो आपको दिखाएंगी कि हाउ टू बिल्ड गेम्स ऑन फ्लटर, तो आप जरूर देखना वो टॉक, वो ऑनलाइन स्ट्रीम होगी शायद कोई 12 बजे है या 11 बजे, इस तरह की कुछ है। वो फोलियो 3 का पेज फॉलो कर लो भाई, वो इवेंट अरेंज कर रहे हैं, कल इवेंट है, मैं भी जाऊंगा उसमें, तो वहां पे जितनी भी टॉक्स होंगी वो सब लाइव स्ट्रीम भी होंगी, तो वो जरूर देखना जिसको गेम का इंटरेस्ट है। व्हाट इज मेंट बाय रेंडरिंग? अच्छा, रेंडरिंग का मतलब ये है बनाना, रेंडर का मतलब बनाना, तो रेंडरिंग से मुराद कि जब UI बन रही होती है, तो रेंडरिंग मीन सिंपली क्रिएशन। डिफरेंस बिटवीन डार्ट एंड फ्लटर? नहीं, डार्ट एंड फ्लटर में कोई डिफरेंस नहीं है। डार्ट इज लैंग्वेज, फ्लटर इज प्लेटफॉर्म, फ्लटर यूजेस डार्ट, दैट्स सिंपल इज इट। दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रीलांसिंग व्हिच प्लेटफॉर्म वी विल यूज? बाय फ्रीलांसिंग मैं खुद भी कर रहा हूँ फ्लटर पे, तो बिल्कुल ये बहुत वैलिड है और बहुत हॉट है और बहुत चल रहा है आजकल और बहुत इन है, तो इट इज श्योरली गुड फॉर फ्रीलांसिंग एंड यू शुड यूज इट। इज इट नेसेसरी टू लर्न डार्ट लैंग्वेज? फ्लटर बिगनर्स हैं तो वो क्या मतलब? जिस तरह हमें कभी कुछ भी नहीं पता इस बारे में, वो कोई फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल ना भाई, बिगनर हैं तो बिगनर के लिए तो और फायदा है ना, मतलब आप कोई ना कोई लैंग्वेज तो सीखोगे, कि यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ तो किया होगा, कोई ना कोई लैंग्वेज तो आती होगी, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, दैट्स इट। अभी तो सिर्फ C++ कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है। सही है, C++ कर रहे हो ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखोगे, डेटाबेसेस सीखोगे, डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे, एल्गोरिथम बनाना सीखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे, ये सब चीजें सीखोगे, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता,
ये फ्लटर की डार्ट लैंग्वेज जो है ये सिंपल सिंटैक्स है, तो जो भी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो वो आप यहाँ अप्लाई करोगे, दैट्स इट। ये सिंटैक्स है, याद रखना इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। आज फ्लटर है, 5 साल बाद कोई और हो सकती है, तो फ्रेमवर्क के पीछे नहीं भागना, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो वो क्लियर करो। वो क्लियर करोगे तो रिएक्ट नेटिव भी सीख लोगे, फ्लटर भी सीख लोगे, नेटिव भी सब सीख लोगे। तो ओनली द न्यू कमर शुड ओनली फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सिंटैक्स, उसको 1 महीने में आ जाएगा। अच्छा, इज इट नेसेसरी टू लर्न डार्ट लैंग्वेज? डार्ट लैंग्वेज अगर आपको फ्लटर मैप बनानी है तो डार्ट यू कैन यू नो यू शुड लर्न डार्ट, और डार्ट इतनी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। फ्लटर सीखोगे तो ऑटोमेटिकली डार्ट आपको वैसे ही आ जाएगी, तो इट्स वेरी सिमिलर टू जावा एंड जावास्क्रिप्ट, सो इट्स रियली कूल। विच एप्स आर डेवलप्ड इन फ्लटर? काइंडली लिस्ट डाउन सम एप्स दैट आर इन प्रोडक्शन। भाई फ्लटर डॉट डेव पे चले जाओ और वहां पे जाके शोकेस का एक पूरा वो है, पूरा पोर्शन जिसमें लाइव एप्स जितनी भी कंपनीज ने बनाई हैं बड़ी बड़ी, वो सब वहां पे मौजूद हैं। अगर तुम्हें पाकिस्तान में कोई ऐप देखनी है तो मेरी अपनी ऐप है फ्लटर पाकिस्तान के नाम से, वो लाइव चल रही है, iOS एंड्रॉयड दोनों पे है। फायरबेस यूज किया था मैंने उसके पीछे, उससे मैं रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, स्पीकर डिटेल्स देता हूँ, ये सब। अब तो खैर वो बहुत पूरा पुरानी हो गई, इस पर पता नहीं कब का इवेंट चल रहा हो, लेकिन वो हमने इवेंट की प्रमोशन के लिए निकाली थी जब फिजिकल इवेंट्स करते थे हम कोविड से पहले, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। फ्लटर पाकिस्तान की नाम की ऐप है, ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पे ब्लू कलर का फ्लटर का लोगो है। कैन वी यूज पाइथन एज बैकएंड फॉर फ्लटर? बिल्कुल जी, पाइथन आप यूज कर सकते हैं, पाइथन आप यूज करें, पाइथन की API एक्सपोज करें। जिस तरह भी JSON डेटा मैंने कंज्यूम किया है फ्लटर में, बिल्कुल उसी तरह पाइथन की API बना के फ्लटर में कंज्यूम कर सकते हैं सीमलेसली, नो इशू विद दैट। Flutter does not provide enough control to manage application. Is it right? Control define control. Control define कर दें भाई आप अपने अगले सवाल में, control define कर देगा किस तरीके का control चाहिए। Because if you want native control, तो native control भी आपको Flutter देता है। आप native में जाके code लिख सकते हैं और Flutter में उसको call कर सकते हैं। उसकी भी एक talk है कल, आप वो भी देख लेना। Why choose GPU and not CPU? CPU पे rendering slow होती है, GPU पे rendering fast होती है। आप कोई भी नॉर्मल सी ऐप किसी पुराने फोन पे चलाएंगे तो वो अटकेगी, आप फ्लटर की कोई ऐप चलाएंगे तो वो नहीं अटकेगी। ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, आप फ्लटर की कोई पुरानी टॉक देख लेना जिसमें फ्लटर की टीम जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि GPU पे क्यों यूज करते हैं गेम्स। इसका जवाब जो एक्चुअली ये है कि गेम्स GPU पे क्यों चलते हैं, CPU पे क्यों नहीं चलते, तो उसका जवाब जो उसका जवाब है वो इसका जवाब है। गेम्स परफॉर्मेंट होते हैं इसलिए GPU पे चलने चाहिए, CPU पे चलाओगे तो चलेगा ही नहीं, वो CPU उड़ जाएगा आपका। सर इफ यू यूज समवन्स API इन आवर कोड एंड व्हेन समवन रिमूव द कोड फ्रॉम द कोड फ्रॉम द API देन व्हाट वी शुड डू? भाई देखो, API अगर यूज कर रहे हो किसी की, ठीक है, तो API का पैरामीटर चेंज होगा तो आपकी ऐप तो हिलेगी, ये तो लाजमी सी बात है, या तो क्रैश होगी या उसमें कोई पैरामीटर आना बंद हो जाएगा, या ये डिपेंड करता है कि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग कितनी अच्छी की है। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छी की है तो शायद आपकी ऐप क्रैश ना हो, लेकिन ऑब्वियसली डेटा नहीं आएगा तो किसी काम की नहीं है आपकी ऐप। तो समन्स else's API in our code की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मैंने अभी रिसेंटली COVID-19 की स्टैट्स की एप्लीकेशन बनाई थी, उसमें मैंने किसी और की बनी हुई API यूज की थी। अगर वो खुदा ना खासा कोई API में पैरामीटर चेंज करता है तो मुझे अपनी ऐप अपडेट करनी पड़ेगी, वरना वो चलना बंद हो जाएगी। और वो अभी चल रही है, वेब वर्जन भी है उसका, मैंने फ्लटर में वेब भी बनाया उसका। तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लटर फॉर वेब। तो अभी वेब पे जाके नॉवल COVID-19.web.app लिखोगे ना, शायद कुछ आ जाए। मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, मुझे शायद मिल जाए वो, नॉवल COVID-19, हाँ मिल गया। ये ऐप मैं इसको चैट में पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द, ये मैंने चैट में एक लिंक पेस्ट किया, जाके देख लो। मैंने फ्लटर बनाई है ये ऐप, और मैं किसी और की API यूज कर रहा हूँ उसमें, और ये फ्लटर में ही बनाई है, और ये मैंने फ्लटर फॉर वेब पे होस्ट की हुई है। तो ये चलती हुई ऐप है और फ्लटर फॉर वेब बिल्कुल सीमलेसली चल रहा है, तो यू गाइस कैन सी इट। Q&A टैब, भाई यार आप जब चैट खोलोगे ना तो उसके अंदर साइड में एक आइकन है जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल बना हुआ, तो वो है Q&A टैब। अच्छा, अगला सवाल क्या है? Kindly repeat the name, page name of tomorrow's session. Folio 3, यार एक कंपनी है Folio 3 कराची में, मैं यार एक मिनट हुआ, अभी मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम लोगों को आसानी हो। फेसबुक का लिंक है वो मुझे ढूंढना, बल्कि मिल गया, Folio 3, Folio 3 का इवेंट है पूरा। यस,
स्पीकर ये रहा, मैं इवेंट का लिंक तुम्हें शेयर कर देता हूँ। इस इवेंट में सारे स्पीकर्स भी अनाउंस हो चुके हैं अब तक, और ये मैं चैट में पेस्ट कर रहा हूँ, चैट में देख लो भाई। जिसका सवाल था ना भाई, जो सवाल है वो जिसके जो मोबाइल है मार, तो मोबाइल पे तो यही पूछ लो, सवाल मैं देख लूंगा। बाकी जो सवाल है वो भाई क्यू एन ए में पूछ लो, ताकि क्यू एन ए में मार्क करती जा रही हो तो थी या शायद कोई और, कि जो जो हो चुके जा रहे हैं वो टिक मार्क करते जा रहे हैं। कैन वी मेक वेब एंड ऐप सेम कोड? बिल्कुल जी, अभी जो मैंने आपको लिंक भेजा है वेब COVID-19 का, वो मैंने खुद बनाई है ऐप, वो iOS एंड्रॉइड पे भी चलती है और सेम कोड वेब पे भी चलता है विदाउट एनी सिंगल चेंज। तो यस, यू कैन मेक वेब एंड ऐप विद सेम कोड। डस फ्लटर फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? बिल्कुल भी, बिल्कुल जी, फ्लटर ऑब्वियसली फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, एंड यू कैन ऑब्वियसली गो एंड लुक देयर आर्किटेक्चर, इट्स ऑल ओपन सोर्स। आपको विजेट्स के अंदर घुस के ये देखना है कि गूगल ने क्या कोड लिखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं, इट्स ऑल ओपन सोर्स। What is an API? API is application dependencies होती है। Dependencies भी open source है भाई। उनका भी हम code देख, उनका भी code देख सकते हैं। अभी जो HTTP का पैकेज मैंने यूज किया है ना, इसकी GitHub repository लाजमी होगी, ओपन सोर्स के बगैर वो पब डेव पे होस्ट ही नहीं करने देंगे आपको। तो पब्लिक रिपोजिटरी है HTTP.dart की, मैं उसके अंदर चले, और मुझे HTTP.dart में अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, तो मैं वो सॉल्व कर भी सकता हूँ और उसकी PR बना सकता हूँ, और वो मर्ज भी हो जाएगी, और वो अगर लेजिट होगी तो इट्स ऑल ओपन सोर्स। डिपेंडेंसीज भी ओपन सोर्स, जिनकी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं, वो जो डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं उनके पैर यार नहीं मैं लिख सकता, मुझे यही बोलने दो, जो मैं सर डिपेंडेंसीज चेंज कर देता हूं, सर जो डिपेंडेंसीज मैं चेंज कर देता, यानी कि डिपेंडेंसी से जो मसला आएगा, जो पैरामीटर चेंज कर देता है डेवलपर, तो मैं उस पे कोड देख के खुद ही यानी कि उसको रीराइट कर सकता हूं, ये भी मुझे फायदा होगा ना। डिपेंडेंसीज की बात अलग है और API की बात अलग है, मैं अभी API की बात कर रहा था, जो कोड चेंज और पैरामीटर चेंज की बात कर रहा हूं। जब डिपेंडेंसीज में चेंज होगा तो उसकी एक अपडेट आएगी, वो अपडेट तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी चलती रहेगी, अगर अपडेट करोगे तो वो बता देगा कि क्या क्या चेंज हुआ। तो उस डिपेंडेंसीज का बिल्कुल अलग तरीका है, मैं अभी API की बात कर रहा था, जो बंदे ने पूछा था ना किसी ने, API में अगर पैरामीटर चेंज है तो डिपेंडेंसीज का मसला नहीं होता, डिपेंडेंसीज का मसला वो है तुम उसको अपडेट करते रहोगे। API इज एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इस तरह कुछ है। तो API होती है कि आपके बैकएंड और मोबाइल के बीच में एक चीज होती है जो कि आपको कनेक्ट करवाती है बैकएंड से। तो API रिटर्न करती है बेसिकली दो तरीके की होती है, REST API होती है और SOAP API होती है। तो ये जब भी हम यूज कर रहे थे, ये REST API थी, इसके अंदर JSON का डेटा आता है, नो SQL डेटा। तो ये आपको सिंपल की वैल्यू पेयर्स में आपको डेटा देता है। API जाके सर्च कर लेना, इट्स सिंपल टर्म, बहुत मशहूर है और बहुत पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। तो इट्स जस्ट एन इंटरफेस के आपको मोबाइल की जो UI जो कोड है वो HTTPS के थ्रू आपके बैकएंड से कनेक्ट होता है, दैट इज थ्रू API। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एनी फेमस? अब ये तो हो गया भाई। कॉन्स ऑफ यूजिंग फ्लटर टू बी ऑनेस्ट? अच्छा, कॉन्स जो हैं उनमें ये है कि भाई जब शुरू में मैंने स्टार्ट की थी तो मैप्स में बड़े मसले आए थे, और अभी जो है वो नल सेफ्टी इंट्रोड्यूस हुई है तो उसमें शायद थोड़े मसले हैं। तो ऐसा तो कोई इतनी कोई इशू नहीं है, मतलब फ्लटर ने बेसिकली जो डेवलपर्स का पेन था, ठीक है, वो सॉल्व किया है। जितने भी और दूसरे प्लेटफॉर्म में जो भी तकलीफें थी ना, वो सब दूर की हैं फ्लटर ने। तो मसले तो हैं, थोड़े थोड़े कॉन्स भी हैं इसके। बहुत कॉम्प्लेक्स एप्स आप बनाएंगे तो आपको शायद आर्किटेक्चर में मेंटेन करने में थोड़ा सा मसला हो, लेकिन वो आपकी अपनी कोडिंग प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करता है। तो भाई मुझे ये बता देना कि मेरे पास टाइम कितना है, 9 बज चुके हैं। तो अगर इफ़ यू गाइड लाइक जो भी मैनेज कर, तथीर इफ शी इज हियर, तो अगर जो मैनेज कर रहा है, अगर इफ टाइम इज अप, सो आई विल जस्ट स्टॉप एंड आई विल जस्ट हैव दीस क्वेश्चंस फॉरवर्डेड मी टू माय लिंक्डइन और टू माय ट्विटर। तो मुझे बता दो कि भाई ये 9 बज गए हैं, तो आई गेस मेरा टाइम अप हो गया, तो आई कैन जस्ट एंड इफ इट्स देयर। मैं कॉन्स बता रहा था फ्लटर के, तो कॉन्स में ये था कि भाई जब शुरू में मैप्स वगैरह आए थे तो उसमें इंटीग्रेशन में बड़ी मसले होते, क्योंकि उस वक्त बीटा में थी फ्लटर। अभी भी जो है वो कभी कभी डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज, जो आप डिपेंड करता है आप कितनी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, अगर आप बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ओपन सोर्स होती हैं, वो किसी डेवलपर ने लिखी होती हैं, वो कब अपनी अपडेट करे, वो कब नहीं करे, वो क्या चीज लिखे, आपका कोड फटना शुरू हो जाए,
इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे जो फ्लटर की अपनी तरफ से जो चीजें हैं वो बड़ी स्टेबल है, मतलब वो उसमें कोई इशू नहीं है। व्हाट इज द सैलरी रेंज पर्सपेक्टिव एज अ सीनियर फ्लटर डेवलपर? सैलरी रेंज इज इक्वल्स टू योर स्किल सेट एंड योर एटीट्यूड, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो इफ यू यू कैन हैव टू फ्लटर डेवलपर्स बोथ ऑफ सेम एक्सपीरियंस बट हैविंग बोथ डिफरेंट सैलरीज, तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू स्टैंड आउट, हाउ मच quality work you give, how much positive attitude you have, how much learning capability you have. So salary range is a totally different thing. Iska taluk isse nahi hota ki senior flutter developer ki salary range itni hogi, aisa nahi hai. Wo bahut zyada bhi ho sakti hai kisi ki aur kisi ki bahut kam bhi ho sakti hai, wo person to person vary karta. Can we integrate machine learning or AI? Bilkul bhai, machine learning aur jaake Google pe sirf likh do machine learning and flutter, aise aise articles aayenge कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई ये लोग भी ये भी कर रहे हैं। ए आर तक इंटीग्रेटेड है फ्लटर में, ए आर वी आर तक इंटीग्रेटेड है। तो मशीन लर्निंग ए आई यस इट इज, इट कैन बी इंटीग्रेटेड, देर आर पैकेजेस, देर आर आर्टिकल्स, यू जस्ट नीड टू रीड देम। अच्छा मैं जरा चैट में पढ़ लूँ कि क्वेश्चन था किसी का, हाँ अमार का क्वेश्चन था, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट लाइफ। अच्छा आर्किटेक्चर के, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है मारने जो पूछा है, ये अभी तक किसी ने नहीं पूछा यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में। अच्छा आर्किटेक्चर जो है ना, इट इज लाइक क्लच, जो गाड़ी में क्लच होता है ना, बाइक में या गाड़ी में जो क्लच होता है, आर्किटेक्चर इज लाइक अ क्लच। तो हाउ इट इज लाइक क्लच, के यू ओनली अप्लाई क्लच व्हेन यू नीड इट। अगर आपने उसके अलावा अप्लाई किया है तो आपकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी, so you only apply it when you want to change the gear, ठीक है। तो architecture भी बिल्कुल इसी तरह है, आप उसको सिर्फ तभी apply करेंगे जब आपको जरूरत होगी। तो ये depend करता है app to app, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप MVVM, MVVM flutter में भी implement होता है, बिल्कुल MVP, MVC, MVVM सब implement होता है, dependency injection implement होती है, ये सब चीज़ें flutter में भी होती हैं, सब होता है। retrofit हम use कर रहे हैं flutter में, अभी use कर रहा हूँ production level app पे, बिल्कुल use होती है। but I would not recommend कि आप MVVM यूज करें अपनी हर ऐप में, नहीं, आप ऐप टू ऐप वेरी करता है आर्किटेक्चर। आपकी ऐप अगर करीम जैसी, उबर जैसी है तो आप ऑब्वियसली कुछ और, कोई और आर्किटेक्चर यूज करेंगे, और आपकी ऐप अगर बैंकिंग की तरफ की ऐप है तो आप कुछ और आर्किटेक्चर यूज करेंगे। तो यू ऑलवेज यूज द आर्किटेक्चर दैट फिट्स इन टू योर ऐप, यू डोंट यूज द आर्किटेक्चर दैट यू नो, सही है, जो आपको आता है वो मत घुसेड़ें, सही है, वो जरूरी नहीं है कि वो ही घुसाएं उसके अंदर, नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो सीख के उसको अप्लाई करें। तो यस फ्लटर के, फ्लटर इज वेरी मच मैच्योर फॉर प्रोडक्शन लेवल एप्स, और वहाँ पे चल भी रही है, दुनिया में भी काम हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अल्टरनेटिव की है जरूरत नहीं है, फ्लटर में सब है, ये एमवीसी भी है, रेट्रोफिट भी है, लाइव डेटा के लिए शायद स्ट्रीम्स का आर्किटेक्चर है, ब्लॉक का आर्किटेक्चर है, सो यू कैन ऑलवेज फाइंड योर रेलेवेंट थिंग। अच्छा बस टैग टू यूज विद फ्लटर, भाई फ्लटर के साथ कोई भी टैग स्टैक यूज़ कर सकते हो, बस मेरे को इतनी इशू वाली बात नहीं है। और मुझे कोई मैनेजमेंट के बंदा अनम्यूट हो के मुझे बता दे कि टाइम कितना रहता है, बिकॉज इट्स 9:04 एंड आई वॉन्ट टू एंड राइट नाउ। तो सर द थिंग इज टाइम इज अप बिकॉज़ वी हैव अ कोच इज वेटिंग फॉर गिविंग मी सम इंस्ट्रक्शन। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कितने 160 लोग हैं, इतने लोग मैंने आज तक कभी मीट की कॉल में देखे नहीं है, दिस इज रियली कूल, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस टॉक, टू दिस होल सेशन। कथिर जस्ट डू वन थिंग, कि जितने लोगों ने अभी सवाल पूछे जिनके एड्रेस नहीं हो पाए सवाल, उनको बोल देना कि उनको उनके सवाल मुझे फॉरवर्ड कर देना, या तो उनसे बोल देना, ऑल ऑफ दीस गाइज जिनके सवाल नहीं एड्रेस हो पाए वो मुझे लिंक्डइन में मैसेज कर दें और ट्विटर में मैसेज कर दें, मैं अपनी ईमेल चैट में शेयर कर देता हूँ, सो दैट यू गाइस कैन ईमेल मी एज वेल। वैसे ईमेल का जरूरत नहीं, ईमेल में बहुत स्लो कन्वर्सेशन होती है, तो ईमेल भी कर सकते हो।
लेकिन मैं प्रेफर करूंगा लिंक्डइन पे या ट्विटर पे. लिंक्डइन पे जो मुझे मैसेज करता है मैं भाई हर किसी के रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ हर किसी के रिप्लाई करूँ लाजमी. सही है, ट्विटर और लिंक्डइन दोनों पे मैं एक्टिव हूँ और हो सकता है मैं थोड़ा लेट रिप्लाईज करूँ लेकिन मैं करता तो हूँ, सबको करता हूँ. ठीक है, तो डोंट कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप. ये सब मतलब व्हाट्सएप पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ और मैं बहुत मतलब उसमें इतने मैसेजेस ऑलरेडी होते हैं तो वो मैं इतना फ्रिक्वेंटली उस पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता. लिंक्डइन पे मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करता हूँ, शायद थोड़ा लेट करूँ लेकिन मैं रिस्पॉन्ड सबको करता हूँ. आई रिस्पॉन्ड टू एवरी वन इन लिंक्डइन. सो यू गाइस कैन शेयर योर क्वेरीज, यू गाइस कैन आस्क मी थिंग्स, और यू गाइस मुझे अगर खुद नहीं आता होगा तो मैं आपको कोई लिंक शेयर कर दूंगा जस्ट टू गेट यू अ डायरेक्शन. तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब आता है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होंगी. तो ऑब्वियसली कोई सवाल पूछोगे तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, नहीं आता होगा तो कहीं ना कहीं से लिंक कोई ना कोई किसी बंदे को रिडायरेक्ट कर दूंगा. सो आई जस्ट हेल्प यू आउट. तो यू डू कॉन्टेक्ट मी ऑन लिंक्डइन ऑन ट्विटर, एंड जो जो सवाल रह गए वो पूछ लेना मुझसे लिंक्डइन ट्विटर पे. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच तकीर, थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच जो लोग उस इंटरनल वाले ग्रुप पे हैं, मैनेजमेंट वाले ग्रुप पे. एंड दिस वॉज रियली ग्रेट. और मैंने इतने लोग आज तक नहीं देखे किसी भी मीट कॉल में. सो थैंक यू गाइज फॉर कमिंग. और कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट एरिया हो मेरी टॉक में या मेरी प्रेजेंटेशन में, सो डू लेट मी नो, डू टेल मी, डू मैसेज मी. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. Okay, thank you so much, Sir Waleed, for joining us today and telling about all the stuff about Flutter. So let's back to the coaching one. We have a great instructor, which is Moiz Hassan. Moiz Hassan is a student of CS department at Superior University, and also he is the co-lead of Developer Student Club Superior. So let's welcome Moiz, and he will tell you the all basic other stuff of Flutter, that how to install the Flutter and the Flutter Doctor. So hello, Moiz, you can join. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji, mera naam Moiz hai. Main kya kehte hain? Flutter lead hoon, Developer Student Club Superior University mein. और मैं तकरीबन 1 ईयर से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैंने इमेज प्रोसेसिंग में भी काम किया हुआ है और आगे भी इसमें मैं काम कर रहा हूँ. तो अभी क्या कहते हैं, सर वलीद ने हमें क्या कहते हैं फ्लटर का इंट्रोडक्शन दिया कि फ्लटर में हम क्या कहते हैं जो ऐप्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, और क्या कहते हैं आज क्या कहते हैं जो अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग सेशन है इसमें क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन की जो आपको गाइड दी थी उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि हमने जो फ्लटर है उसको इंस्टॉल कैसे करना है. तो आप लोगों को जब हमने क्या कहते हैं ईमेल्स किए थे उसमें आपको एक हमने छोटी सी गाइड भी साथ सेंड की थी कि आपने जो है अपने क्या कहते हैं सारे जो टूल्स हैं वो कैसे रेडी करने हैं, वो कैसे इंस्टॉल करने. सो एक्सपेक्ट के मोस्ट ऑफ यू जो है उन्होंने उस गाइड को फॉलो किया होगा और जो क्या कहते हैं टूल्स हैं उसको क्या कहते हैं इंस्टॉल किया होगा, राइट. सो क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं जो फ्लटर को इंस्टॉल कैसे करना है मैं उसके बारे में शुरू कर देता हूं और एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मोइज़ आपका म्यूट हो गया, और अगर आपके पास ऑप्शन है मोइज़ पे म्यूट करने का तो प्लीज ना करें. अब्यूज़ कर रहे हैं आप किसी एक चीज को, तो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल और स्पीकर को टॉक करने दें प्लीज. अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप लीव कर सकते हैं. ऑलराइट, सो मैं बता रहा था कि आपको इंस्टॉलेशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी थी जिन्होंने फॉलो की हैं उनके जो इश्यूज हैं उनको भी एंड पे डिस्कस किया जाएगा कि अगर आपने इंस्टॉल किया और आपके इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं. तो एक तो क्या कहते हैं मोस्ट कॉमन इशू है वो ये होता है आपके पास कि आप जब फ्लटर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो कमांड लाइन पे आपको शो नहीं होता. तो इस तरह कुछ इश्यूज होते हैं वो भी आपसे एंड पे मैं डिस्कस कर लूँगा. तो आप में से जिन्होंने फेस किया होगा वो ज़रूर बताइएगा, उनको मैं आंसर करने की भी कोशिश करूँगा. सो क्या कहते हैं मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपने फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करना है.
अच्छा आपके जो क्वेश्चन है वो आप अपने क्यू एन ए वाले सेक्शन में जैसे पहले पोस्ट करे थे वहीं पे करें, और वहां से मैं क्या कहते हैं टाइम कुछ देर से बाद चेक कर लिया करूंगा कि आपके क्या क्वेश्चन हैं, और चैट में जनरल चैट में ना पोस्ट करें। अच्छा तो सबसे पहले क्या कहते हैं फ्लटर इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है कि गूगल के जो पेज है उसमें जाएं और लिखें इंस्टॉल फ्लटर। तो आपके पास ये जो है सर्च का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें क्या कहते हैं ये फ्लटर की वेबसाइट है और वहाँ पर लिखा हुआ इंस्टॉल फ्लटर, और इसके नीचे यहाँ पे जो है चार प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिसपे आप फ्लटर की एसडीके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने वो वाला प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेना जो क्या कहते हैं आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। सो क्या कहते हैं यहाँ पे जो है विंडोज जो है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि विंडोज में हमने कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम विंडोज वाली पे जो गाइड है वहां पे चले जाते हैं। सो बेसिकली आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा फ्लटर का, जहाँ पे इन्होंने आपके पास अब डिफरेंट जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताई हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम 7 होना चाहिए, आपकी डिस्क स्पेस इतनी होनी चाहिए, और ये कुछ जो टूल्स हैं जो आपके पास फ्लटर में होने चाहिए ताकि आप उसको यूज कर सकें। अच्छा ये गिट फॉर विंडोज लिखा हुआ है लेकिन आप इसके बगैर भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है नेसेसरी नहीं है। अच्छा सो फ्लटर क्या कहते हैं इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है कि इस लिंक पे जाना है और यहाँ से जो जिप फाइल है उसको आपने क्या कहते हैं डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि उस जो जिप फाइल है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और आपके पास जो फ्लटर है वो क्या कहते हैं उस तरह नहीं इंस्टॉल करना होता जैसे आपके पास एक्जी फाइल्स होती हैं विंडोज में, ठीक है, कि आपके पास सेटअप्स होते हैं आप उसको रन करते हैं और क्या कहते हैं कुछ डायरेक्टरी सेट करते हैं और आपके पास एट द एंड एक प्रोग्राम आ जाता है जिसको आप ओपन कर सकते हैं जैसे फायरफॉक्स है या जैसे क्रोम होता है, ठीक है। तो उस तरह नहीं है बल्कि जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी उसकी जो बिल्ड फाइल्स होती हैं वो आ जाती हैं, बाइनरी फाइल्स हैं वो आपके पास आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक वार्निंग दी हुई है कि डू नॉट इंस्टॉल फ्लटर इन डायरेक्टरीज लाइक सी प्रोग्राम फाइल्स। इसका बताने का मकसद ये है कि आपने ऐसी डायरेक्टरी में फ्लटर को नहीं रखना जहाँ पे ये स्पेस आए, ठीक है, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं कमांड लाइन पे यूज करते हैं डिफरेंट टूल्स में तो अगर आपके जो डायरेक्टरी में स्पेस है तो वो काफ़ी आपको इश्यूज कर सकती है। ये जो डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं जो बेसिकली काफ़ी सारे C++ के टूल्स हैं तो वो क्या कहते हैं स्पेसिस के साथ कंपेटिबल नहीं होते, तो इस वजह से आपने कोई ऐसी डायरेक्टरी नहीं चूज करनी जिसमें क्या कहते हैं स्पेस हो, बल्कि ऐसी डायरेक्टरी चूज करें जिसमें स्पेस ना हो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है कि आप सी में एक फोल्डर सोर्स का क्रिएट करके उसके अंदर फ्लटर को पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये इन्होंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं अपडेट योर पाथ। अच्छा सो बेसिकली पाथ क्या होता है, पाथ ये होता है कि जब आप क्या कहते हैं किसी प्रोग्राम को रन करते हैं उसमें क्या कहते हैं कुछ आपके पास जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो उस प्रोग्राम को रिक्वायर्ड है चलने के लिए, ठीक है, जो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें जब हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते हैं तो वो अकेला नहीं चलता, मोस्टली उनके हमेशा पीछे कोई डिपेंडेंसी होती है जिस पे वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। सो जो पाथ हमारे पास एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है वो उन फोल्डर्स का बताता है जहाँ पे आप क्या कहते हैं इन जो डिपेंडेंट डिपेंडेंसी प्रोग्राम्स हैं उनको वो सर्च कर सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम पाथ कहते हैं। और जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं वो पाथ का उसका पाथ का जो हमारे पास फोल्डर होता है वो उसका एक्सेस उसके पास होता है, ये वहाँ से वो किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और इसको पाथ को आपने चेक कैसे करना है एक दफ़ा ऐड करने के बाद उसको क्या कहते हैं उस पर मैं बाद में जाता हूँ, आप उसको कमांड लाइन के थ्रू चेक भी कर सकते हैं। जी आप सी ड्राइव यूज़ कर सकते हैं फ्लटर के लिए और क्या कहते हैं कोई भी ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, बस आपने ख्याल ये रखना है कि आप उसको पाथ में ऐड करें, ठीक है। उसके साथ डिफरेंट जो आईडीज़ हैं जितने भी पॉपुलर आईडीज़ हैं उनके साथ फ्लटर इंटीग्रेट होता है। और क्या कहते हैं हमारा जो बूट कैंप है हम इसमें VS कोड को फॉलो करेंगे, VS कोड के थ्रू कोडिंग होगी, और जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको भी मैं थोड़ा सा आपको टच बताऊँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कैसे उसका सेटअप करना है। ओके सो पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ अब। ये पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए आपने विंडोज में स्टार्ट मेन्यू में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है
एनवायरमेंट env लिखा है तो आपको सजेशन में आ जाएगा edit environment variables, ये सजेशन आपके पास आ जाएगी। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा सिस्टम प्रॉपर्टीज का, सिस्टम प्रॉपर्टीज का जो क्या कहते हैं पॉपअप है उसमें ये वाले बटन पे क्लिक करना है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो आएगी और यहाँ पे पाथ लिखा होगा, इधर लिखा होगा या फिर इधर लिखा होगा, जो वेरिएबल नेम है वहां पे क्या लिखा होगा पाथ का वेरिएबल लिखा होगा। आपने पाथ वाले वेरिएबल को एडिट करने के लिए क्या करना है एडिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप टॉप से सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, अगर आप बॉटम से सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें और आपके पास जो क्या कहते हैं एक विंडो ओपन होगी, वहां पे आपने क्या करना है कि जो पाथ वेरिएबल है वो पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है उसका क्या कहते हैं जो पाथ वेरिएबल वहां पे उसने पेस्ट कर दिया, तो पाथ वेरिएबल आपने क्या कहते हैं पेस्ट कर देना है वहां पे वैल्यू उस डायरेक्टरी की जहां पे आपने फ्लटर को इंस्टॉल किया था। जैसे कि कहते हैं यहाँ पे अगर इंस्टॉल किया था फ्लटर को सोर्स डायरेक्टरी में तो क्या कहते हैं सोर्स वाली डायरेक्टरी का हम जो क्या कहते हैं जगह है उसको ये जो है सोर्स डायरेक्टरी का पाथ जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा और फिर ओके कर दूंगा तो फ्लटर जो है पाथ में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जो लिनक्स होता है हमारे पास वहाँ पे आपको पाथ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती और जो आप सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो वो पाथ में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और वेरी रेयरली आपको ऐड करना पड़ता है कि किसी वजह से ना हो ऐड। अच्छा जिनके डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं कि पाथ वेरिएबल यही है लेकिन नहीं चल रहा, इसको मैं एंड पे देखूंगा क्योंकि क्या कहते हैं हो सकता है आपको अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करके दिखाना पड़े ये जो इश्यूज हैं। क्या कहते हैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपने जो क्या कहते हैं डायरेक्टरी है वो आपने सही नहीं डाली, ये इसकी रीज़न हो सकती है। सो क्या कहते हैं जब ये वाला स्टेप क्लियर हो गया उसके बाद फ्लटर आप चेक करने के लिए क्या करेंगे कमांड लाइन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमांड लाइन को ओपन कर लेता हूँ। तो ये कमांड लाइन सामने जो है वो शो हो रही है जिसमें क्या कहते हैं डिफरेंट जो कमांड्स हैं वो लिखी जा सकती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके सो जो कमांड लाइन है इस पे क्या करना है कि फ्लटर डॉक्टर की कमांड लिखनी है। तो ये कुछ आपको आउटपुट देगा। ओके सो फ्लटर डॉक्टर की मैंने कमांड लिखी है और उसकी ये आउटपुट आ गई। तो बेसिकली फ्लटर डॉक्टर की जो क्या कहते हैं कमांड है हम उसको पहले डिस्कस करते हैं कि यूज किस लिए की जाती है। तो फ्लटर डॉक्टर की कमांड इसलिए यूज की जाती है कि आप चेक कर सकें कि आपकी इंस्टॉलेशन है वो ठीक हुई है कि नहीं और उसमें जो डिफरेंट फॉल्ट हैं वो आपको क्या कहते हैं जो SDK है वो यहाँ पे इस आउटपुट के थ्रू शो कर देगी कि आपके इंस्टॉलेशन में ये फॉल्ट है। अच्छा जो उनसे क्या कहते हैं अभी आप में से काफ़ी स्टूडेंट बिगिनर्स होंगे उनको कमांड लाइन का इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो बेसिकली कमांड लाइन हमारे पास क्या कहते हैं जो एक सिंपल एक विंडो होती है जिसमें आप क्या कहते हैं टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आप क्या कहते हैं दे सकते हैं कुछ भी करने के लिए कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम GUI में फोल्डर्स क्रिएट करते हैं ठीक है और कोई भी टास्क मूव करते हैं कोई क्या कहते हैं प्रोग्राम ओपन करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें बैकएंड पे टर्मिनल के थ्रू हो रही होती हैं कमांड लाइन के थ्रू हो रही होती हैं। सो जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको ये कमांड लाइन को खुद भी यूज़ करना पड़ जाता है डिफरेंट टास्क के लिए और काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जैसे ये फ्लटर की हमारे पास SDK है इसको हम कमांड लाइन के टूल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ठीक है। तो इसलिए कमांड लाइन यूज़ होती है कि डिफरेंट आप जो क्या कहते हैं टास्क हैं इसके आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको इन डेप्थ नॉलेज होना यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है क्योंकि आगे जो डिफरेंट टास्क हैं वो आपको मैं ID के अंदर एडिटर के अंदर करके दिखाऊंगा। तो फ्लटर का जो क्या कहते हैं SDK वाला हमने कमांड लाइन पे चेक करना है वो यहाँ तक ही है।
अच्छा आई मीन आउटपुट्स को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। इधर क्या कहते हैं, हमारे पास शो हो रहा है कि जो फ्लटर है वो मेरे पास इंस्टॉल है, उसका चैनल शो हो रहा है। अच्छा ये चैनल हमारे पास क्या चीज़ है कि जो फ्लटर है उसके थ्री चैनल्स हैं, एक है अल्फा, बीटा और स्टेबल। तो क्या कहते हैं, आप अपने जो प्रोडक्शन है उसमें हम स्टेबल वाला चैनल यूज़ करते होते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं बीटा पे शिफ्ट किया हुआ था, इसलिए ये बता रहा है कि चैनल जो बीटा है वो इस वक्त आपका एक्टिव है। तो ये जो बीटा चैनल है ये वेब के लिए आपको इसको उस पर शिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं आपके एंड्रॉयड लाइसेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, जो क्या कहते हैं एंड्रॉयड लाइसेंसेस हैं, जब आप क्या कहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो रन करते हैं तो वहाँ पे आपके ये क्या कहते हैं रिजॉल्व हो जाता है इशू। तो क्या कहते हैं इसका अगर यहाँ पे क्रॉस भी शोर है, क्योंकि ये अभी रेड में शोर है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे मसला है, तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट चीज़ें ये आपको बता रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपका जो है इंस्टॉल्ड है, अगर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड ना हो तो ये एक एरर शो करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। और इसके बाद बता रहा है कि ये वाले जो क्या कहते हैं सपोर्टेड आपके पास आई डीज हैं वो ये हैं, और ये बता रहा है कि कनेक्टेड डिवाइस कौन सी है। अच्छा फ्लटर जो है आपने जब रन करना होता है तो वो किसी डिवाइस पर रन होता है। अब आप इसमें क्या कहते हैं डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपके पास फिजिकल डिवाइस है या आपके पास वो एमुलेटर है, इस पे आपके पास चॉइस होती है कि आप फिजिकल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। और फिजिकल डिवाइस आपको कब करनी चाहिए, एमुलेटर आपको कब करना चाहिए, एमुलेटर जो होता है उसमें क्या कहते हैं आपकी जो डिवेलपमेंट होती है वो फास्टर होती है, और क्या कहते हैं जो बिल्ड टाइम होते हैं वो थोड़े तेज़ होते हैं फिजिकल डिवाइस के कंपैरिजन में। लेकिन फिजिकल डिवाइस आपको क्या कहते हैं एक तो टेस्टिंग के लिए यूज़ करनी पड़ती है, कि जब आपने ऐप अपने पब्लिश करनी है उससे पहले ऑब्वियसली फिजिकल डिवाइस पे उसका आप रिलीज बिल्ड निकाल के चेक करेंगे। और जो क्या कहते हैं अगर आपके जो सिस्टम है उसकी क्या कहते हैं स्पेक्स इतनी कोई अच्छी नहीं है तो फिर आपको फिजिकल डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। ओके जब आपके पास अगर कोई डिवाइस कनेक्ट ना हो तो यहाँ पे वो कह देता है कि डिवाइस नॉट फाउंड। तो ये सिर्फ एक स्टेटस है, इसमें क्या कहते हैं फ्लटर की एसडीके का इतना मैटर नहीं करता। मेन चीज़ जो आपने चेक करनी है कि वो एंड्रॉयड स्टूडियो की एसडीके को देखना है, क्योंकि एंड्रॉयड क्या कहते हैं जब आपने फ्लटर दो हमने क्या कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और दो जो मेजर फ्रेमवर्क अभी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास है एंड्रॉयड और iOS। सो एंड्रॉयड की जो ऐप्स हैं उसके लिए हैं हमें बनाने के लिए चाहिए होता है एंड्रॉयड SDK, जो कि खुद भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो भी है, आपके पास मैक पे भी चलती है, वो आपके पास क्या कहते हैं विंडोज़ पे भी चलती है और लिनक्स पे भी चलती है, ये इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को कवर करती है। सो जब फर्स्ट टाइम आप चलाएंगे तो आपको ये एरर आ सकता है कि एंड्रॉयड SDK इज़ मिसिंग। प्लीज़ आप ये किसी को म्यूट ना करें, दिस इज़ अ वेरी अनप्रोफेशनल बिहेवियर, लेट हिम डू हिज वर्क। हमें यहाँ अच्छी तरह से नजर आया कि कौन कौन किसको म्यूट कर रहा है, अगर ये बार बार हुआ तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। आई थिंक मोइज का डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मैं सबको कहूँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो और VS कोड दोनों इंस्टॉल कर लें, और क्योंकि VS कोड यूज़ कर रहे होंगे मोइज तो आपको आसानी होगी उसको यूज़ करने में। एंड्रॉयड आपको इसलिए इंस्टॉल करना है कि वो कुछ एरर्स जो आपके आ रहे होंगे
वो उससे रिलीज हो जाएंगे खुद ही। तो इसके अलावा आप कल तक चेक कर लें, अगर आपको ईमेल नहीं आई तो आप, मैं ईमेल लिख देता हूँ वहाँ पे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन की ईमेल आपको नहीं आई, वरना आप flutter.dev पे जाएं और वहाँ पे जाके आपको सारी गेटिंग स्टार्टेड में जाएं, वहाँ से आप सारा कुछ अपनी कैसे आपने इंस्टॉल करना है वो आपको पता चल जाएगा। और कल का सेशन 8 बजे ही होगा और सेम लिंक पे होगा। आपने आके यहाँ पे जब आना है तो आपको हैंड्स ऑन करवाया जाएगा, डिफरेंट चीज़ें समझाई जाएंगी, तो आपने वो देखना है। तो आई थिंक अगर मूवीज आ जाते हैं तो वो आपको आगे बता देते हैं और आपकी क्वेरीज भी हैंडल कर लेते हैं। ओके, मूवीज इज जॉइनिंग अस विदिन 5 मिनट्स। अच्छा, यहाँ किसी का क्वेश्चन है कि एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए स्पेस नहीं है, तो यू डोंट नीड टू यूज एंड्रॉइड स्टूडियो, बस सिर्फ इंस्टॉल कर लें आप, वही काफ़ी है। तो आई थिंक इंस्टॉल करने के लिए तो स्पेस होगी, अगर नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि आप कुछ अपने हार्ड थोड़ी सी बढ़वा लें, क्योंकि कुछ लाइक 15-20 GB तो चाहिए होती है। सारे इंस्टॉल करके इसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है फ्लटर को। ये सारी डिटेल जो इंस्टॉलेशन की हैं ये flutter.dev पे पड़ी हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर मैंने वीडियो भी सेंड की थी जो ईमेल में, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें सारा बिल्कुल टोटली बताया गया है, फ्रॉम 0 to end तक बताया गया है कि आपने कैसे फ्लटर इंस्टॉल करना है। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू आए तो आप मोहित सर बता रहे थे कि वो जो उन्होंने पहले किया था इंस्टॉल फ्लटर, उस पे विंडोज पे क्लिक करके उन्होंने किया था, वो इंस्टॉल करके उन्होंने कहा एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद समझ नहीं आई थी आगे क्या कर। अच्छा सर, क्वेश्चन आप जो भी आगे। मैम मेरे पास यूबंटू रन हो रहा है और उसमें केवीएम नहीं है, वर्चुअलाइजेशन का कुछ कह रहा है केवीएम। जो आप केवीएम का बता रहे हो वो सिर्फ एक वार्निंग है, उसमें क्या कहते हैं जो एमुलेटर को रन करने में क्या कहते हैं जरूरी होती है, जरूरी भी नहीं होती, ऑप्शनल होती है। सो वो आप दे क्या कहते हैं उसके बगैर भी आप क्या कहते हैं रन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं थोड़ी सी, अगर आप उबंटू यूज कर रहे हो ना, आपको केवीएम ऑन करना पड़ेगा इन बायोस। सर वो मैंने बायोस से ऑन कर लिया है, वहां से अनेबल है, लेकिन यहाँ पर अभी मुझे एरर शो हो रहा है केवीएम का। वो एक कमांड होती है, मैं बताता हूँ आपको, उबंटू में एक कमांड होती है, जी आपके जो क्वेश्चन है वो आप एंड पे पूछेगा, मैं इसको कहते हैं इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी क्या कहते हैं कवर करना चाह रहा हूँ, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो हम रिसीव कर सकें एंड पे। सो क्या कहते हैं आपके जो पर्सनल क्वेश्चन जैसे लिनक्स का है, या आप एंड पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो मोस्टली क्या कहते हैं स्टूडेंट्स है वो मेरे ख्याल से विंडोज़ यूज़ करें, इसलिए मैं विंडोज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और पाथ वेरिएबल का ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आया वो मैं दोबारा एंड पे रिपीट कर दूंगा कि पाथ में कैसे ऐड किया जाता है इसी प्रोग्राम को। ओके सर। सो आपको मैं एमुलेटर का बता रहा था कि फ्लटर को हम या तो डिवाइस पे रन कर सकते हैं या तो हम उसको एमुलेटर पे रन कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आपके पास डिवाइस है तो उसको आप कनेक्ट करें और क्या कहते हैं डेवलपर मोड उस पर ऑन करें। तो डेवलपर मोड ऑन करने के लिए क्या करते हैं कि अबाउट फोन पे जाके आपके जो एंड्रॉयड का वर्जन है उस पर आप मल्टीपल टाइम्स टैप करते हो, तो फिर वो आपको क्या कहते हैं एक देने लग जाता है, मैसेज देने लग जाता है, टोस्ट मैसेज देने लग जाता है। फीस आपको एक दफा हम फिर से कह रहे हैं, ये शरारत मत कीजिए, अगर आपने नहीं सुनना यू कैन लीव, ठीक है, जिसने सुनना है उनको सुनने दीजिए, इट्स अ प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। अच्छा, सो क्या कहते हैं जो टॉस्ट मैसेज है वो आपको बताते हैं कि यू आर एन स्टेप्स अवे फ्रॉम बिकमिंग अ डेवलपर, ठीक है। वो एन स्टेप्स क्या होते हैं कि आप एक्चुअली बताते हैं कि आपने और कितने टाइम्स टैप करने हैं, तो जैसे जैसे आप क्या कहते हैं टैप करते हैं तो काउंट डाउन जो है वो जीरो की तरफ आती जाती है।
फिर जब आप उसका एंड टाइम्स टाइप कर लेते हैं तो आपका मैसेज शो होता है कि नाउ यू आर अ डेवलपर। तो इससे क्या कहते हैं, इस ऐसे करने से क्या होता है, जब आप वापस सेटिंग में जाते हैं तो एक पूरी कैटेगरी न्यू शो हो रही होती है आपके डिवाइस में, वो होती है डेवलपर ऑप्शंस की। तो जब आप डेवलपर ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपने जाके यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है, ठीक है। और बेहतर हो जाएगा आई थिंक स्टार्ट कर। ये एक्चुअली मेरे पास एमुलेटर है, एमुलेटर में क्या कहते हैं ये वाले ऑप्शंस नहीं है, ये डिवाइस में ही होते हैं। ओके श्योर। सो क्या कहते हैं, एमुलेटर की जो चीज़ें हैं उसमें आपको डिबगिंग नहीं ऑन करनी पड़ती, एमुलेटर में बाय डिफॉल्ट ही सारी सेटिंग्स इनेबल होती है। एमुलेटर को कैसे सेटअप करते हैं वो भी मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो पहले एंड्रॉयड स्टूडियो है, एंड्रॉयड स्टूडियो को हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है। सो बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए आप पहले लिखें इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, और ये जैसे आप क्या कहते हैं डिफरेंट सेटअप्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है, ये उस तरह न्यू चीज़ नहीं है। जैसे क्या कहते हैं आपके पास फ्लटर का थोड़ा सा डिफरेंट है मेथड, वैसे नहीं है ये, जैसे आप अपना ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं वैसे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होता है। ये आप एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पर जाएँ और यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक करें, और उस पर क्या कहते हैं आपके पास 883 MB की फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, राइट। सो उसको क्या कहते हैं जब आप लॉन्च कर देंगे तो आपके पास जो फर्स्ट टाइम है एक स्प्लैश स्क्रीन आती है वो आपके पास शो होगी। अच्छा जब आप अच्छा लेट मी टर्न ऑन द स्क्रीन अगेन। ओके सो अब मेरे ख्याल से होपफुली स्क्रीन शो हो रही होगी। अच्छा सो जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप को ओपन करते हैं तो आपके पास ये विंडो आती है जहाँ पे आपने क्या कहते हैं बेसिकली जैसे हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपके पास ये कुछ ऑप्शन है बैक नेक्स्ट और कैंसिल के, जहाँ पे आप नेक्स्ट करते जाएंगे और क्या कहते हैं इन डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ प्रोसीड करते जाएँ। यहाँ पे क्या कहते हैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि टास्क मेन्यू में कहाँ पर शो होना चाहिए, तो ये भी आप डिफॉल्ट ही सेट करें और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है। फिर ये आपके पास इंस्टॉलेशन में चला जाएगा, और इंस्टॉलेशन में ये कुछ टाइम लगता है इसलिए मैं लाइव करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है और क्या कहते हैं हमारे पास अभी क्या कहते हैं जो रिमेनिंग टाइम है वो इतना ही है कि मैं आपको लाइव करके दिखाऊँ। बहरहाल ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सो क्या कहते हैं आपके पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन कम्प्लीट का डायलॉग आ जाएगा जैसे ही जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होगा, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कम्प्लीट का डायलॉग आ जाएगा, आप उसको नेक्स्ट करेंगे और फिर उसके बाद फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो उसके बाद क्या कहते हैं जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं तो आपके पास ये डायलॉग आएगा, इसको आप ओके कर दें अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और अगर आप पहले से यूज़ करें तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास स्प्लैश स्क्रीन आती है, स्प्लैश स्क्रीन में ये नीचे लोडिंग की बार है, इसको कुछ टाइम लगता है लोड होने में, वो आपके डिपेंड करता है सिस्टम पे कि अगर सिस्टम कितना एफिशिएंट है उसके हिसाब से वो कुछ टाइम लेगा। और फिर ये एसडीकेस को कुछ डाउनलोड करता है और आपके पास ये वाली स्क्रीन शो हो जाती है फर्स्ट टाइम जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। जब आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया होता तो ये वाली जो स्क्रीन है वो आपके पास वेलकम की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे आपका कहते हैं SDK इंस्टॉल करनी होती है, उसके लिए आप क्या कहते हैं यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड और कस्टम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने कुछ और मजीद सेटिंग्स में चेंजेस करने तो आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से थीम सेलेक्ट करें, एंड्रॉयड स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट दो थीम्स होते हैं, एक डार्क होता है एक लाइट होता है, और इधर से SDK कॉम्पोनेंट्स हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट ही आपके लिए सिलेक्ट होंगे, इसमें क्या कहते हैं जब चेंजेस करने होते हैं वो बाद में किए जा सकते हैं, और स्टार्ट में ये आपको बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट है उसके साथ ही आप प्रोसीड कर सकते हैं, और आपके पास एंड पे ये स्क्रीन आ जाती है। अब इसमें क्या कहते हैं क्या होता है कि जो आपने कंपोनेंट्स यहाँ पे लिस्ट हुए हैं उसको ये डाउनलोड करेगा और उसके बाद इंस्टॉल कर देगा, राइट। और
फिर जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास ये इस तरह की स्क्रीन आएगी, ठीक है, यानी कि ऐसी स्क्रीन आती है, ये स्क्रीन आपको शो होती है जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, एमुलेटर को कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एमुलेटर को हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे कैसे सेटअप करते हैं। सो एमुलेटर को सेटअप करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो की जब ये स्क्रीन आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फिगर का ऑप्शन है, कन्फिगर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले लिखा हुआ एवीडी मैनेजर, एवीडी मैनेजर का मतलब है कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास एवीडी जो मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो वर्चुअल डिवाइसेस हैं वो ओपन हो जाती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, अगर पहले से नहीं बनी हुई थी ये ऑब्वियसली ब्लैंक आएगा, और इधर से आप क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास क्या कहते हैं, ये विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं, रिकमेंडेड यही है कि आप वो वाली क्या कहते हैं इमेज यूज करें जिसमें प्ले स्टोर का ये आइकन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट फोन के मॉडल्स हैं, कुछ जिनमें प्ले स्टोर का आइकन नहीं बना हुआ उसमें जब आप क्या कहते हैं एमुलेटर होगा उसमें प्ले स्टोर नहीं होगा इंस्टॉल, और आप फिर प्ले स्टोर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अगर आप आवाज नहीं आ रही है आपकी, sorry about that, there are some like connection problem is going on. Muiz, are you in? Gigi. Okay. Okay, so अच्छा, सो एवीडी में यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो क्या कहते हैं एपीआईज है, आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं डिफरेंट एंड्रॉयड के वर्जन है, ये उन्हीं को शो कर रहे हैं। इनको आपको क्या कहते हैं पहले डाउनलोड करना पड़ता है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो उसको क्या कहते हैं डाउनलोड करेगा, उसके बाद अवेलेबल हो जाएगी। तो ये वाले आप देख सकते हैं जो पाए वाले ही मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है, तो इसको क्या कहते हैं अगर मैं इसमें नेक्स्ट क्लिक करूँ तो ये कुछ आप मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगी जिसमें मैं डिवाइस के डिफरेंट सेटिंग्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ कि उसका कहते हैं डिवाइस फ्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो क्या कहते हैं इनको आप बाद में चेंज कर सकते हैं, तो स्टार्ट में अब बस इसको क्या कहते हैं फिनिश करेंगे तो आपके पास जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो
क्रिएट हो जाएगी। ये वापस आपको स्क्रीन पे ले जाएगा और इनको क्या कहते हैं रन करने के लिए आपको ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो जब आप रन करते हैं तो आपके पास ऐसे जो है एक डिवाइस जो है वो ओपन करके आपको दिखा देता है। ठीक है, ये एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है जो कि अभी रन हो रही है यहाँ पर। सो क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं आपके पास जो विजुअल स्टूडियो है VS विजुअल स्टूडियो कोड, उसकी तरफ मैं आता हूँ कि वहाँ पे हमने कैसे यूज करना है एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ, एंड्रॉयड की जो एमुलेटर है उसके साथ। ओके सो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में आए और अच्छा ये विजुअल स्टूडियो की मेन विंडो है जिसमें आपने क्या कहते हैं एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ से आपको क्या कहते हैं फ्लटर को यूज करने के लिए कुछ एक्सटेंशन जो है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या कहते हैं एक्सटेंशन कौन कौन सी हैं, एक है आपके पास फ्लटर की और एक आपके पास डार्ट की। डार्ट की जो एक्सटेंशन है डार्ट लैंग्वेज सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो ये लैंग्वेज सपोर्ट है ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बिल्ट इन नहीं है, ये आपको इस एक्सटेंशन जो है ये प्रोवाइड करती है। और ये फ्लटर की एक्सटेंशन है जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं फ्लटर से रिलेटेड, और क्या कहते हैं जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप क्या कहते हैं मेन स्क्रीन पे चले जाएं, ठीक है, और वे ओके सो जो मेन स्क्रीन है विजुअल स्टूडियो कोड की, वहाँ पे आपने कमांड पैलेट को जब एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट एंड पी,
कंट्रोल शिफ्ट एंड पी जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन, ये क्या कहते हैं, पॉप अप ओपन हो जाता है। इसको हम कहते हैं कमांड पैलेट। इसमें काफ़ी सारे शॉर्टकट कमांड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे आप फ्लटर टाइप करें, ये डिफरेंट आपके पास कमांड्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है न्यू प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि आपके न्यू प्रोजेक्ट का नेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम इसका रख लेता हूँ, ठीक है, और प्रेस एंटर करना है। प्रेस एंटर करूँगा, इसके बाद अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी में सेव करना है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट क्या कहते हैं क्रिएट करूँगा, तो क्या कहते हैं ये स्क्रीन मेरे पास आ जाएगी कि इसने क्या किया है कि जो वो फोल्डर है उसको क्रिएट किया, और फिर इसके बाद विजुअल स्टूडियो जो है उसको ओपन कर दिया, और जो क्या कहते हैं डिफरेंट जो क्या कहते हैं आपकी डिपेंडेंसी और फाइल्स हैं उनको यहाँ पे जनरेट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी आ गया कि इसने भी प्रोसेस शुरू कर दिया आपकी फाइल्स क्रिएट करने का। एक्सक्यूज मी, हम लोग ये विजुअल स्टूडियो कोड ही क्यों यूज कर रहे हैं? लेकिन ये जो सेशन है बूट कैंप है, इस पे हम विजुअल स्टूडियो के साथ चलेंगे। इसमें क्या कहते हैं, आप ये आपके पास एक फ्लटर जो है वो क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट, और यहाँ पे कुछ फाइल्स आ गई हैं। इन फाइल्स के बारे में क्या है इसको आज कहते हैं हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारा कल का एजेंडा है। कल हम बताएंगे कि जो फाइल का मीनिंग क्या है। तो इसको रन करने के लिए क्या करना है, आपने ये यहाँ जो ऊपर रन का ऑप्शन है यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप क्लिक कर लें स्टार्ट डिबगिंग में या फिर रन विदाउट डिबगिंग में, ठीक है। तो कहते हैं जो स्टार्ट डिबगिंग है ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा यूज़ करना, क्योंकि स्टार्ट डिबगिंग से क्या होता है कि जब आपके क्या कहते हैं एप्लीकेशन में अगर कोई एरर आएगा तो वो आपको एक रेड स्क्रीन शो कर देते हैं फ्लटर डिबग मोड पे, और अगर आप वैसे यूज़ करते हैं तो वैसे वो क्या कहते हैं आपके पास नहीं आएगी। तो जब आप कहते हैं रन करते हैं तो ये आपके पास कहते हैं असेंबल करने लग जाता है आपकी ऐप को, उसमें क्या कहते हैं कुछ टाइम देते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं जो आपके पास एमुलेटर है वहाँ पे ऐप ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखी हुई है क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो सेव किया जा सके, पहले से बिल्ड करके रखी हुई है मैंने, क्योंकि एक दफ़ा जब बिल्ड हो जाए तो वो आपकी जो एमुलेटर है या डिवाइस है उसमें इंस्टॉल हो गया, तो अब आप उसको दोबारा जो है ओपन कर सकते हैं।
सो क्या कहते हैं जो ऐप है वो यहाँ पे ओपन हो जाती होती है, और अभी कहते हैं जो वाइट स्क्रीन है एक्चुअली ऐप लोडिंग मोड में है, तो जैसे ही लोड होती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो इन द मीन टाइम आपके जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अच्छा जो क्या कहते हैं आप कह रहे हैं कि आपके जो फ्लटर जो कमांड लाइन में नहीं चल रहा, उसमें एक चीज़ है कि जब आप उसको पाथ में ऐड कर लेते हैं तो अगर कमांड लाइन में पहले से ओपन किया हुआ ना तो उसको आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर किसी आईडी के एडिटर के अंदर आप कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यूज़ करें तो उसको भी आपको क्लोज करके दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जो क्या कहते हैं आपने पाथ में अगर सही एंटर किया सारा कुछ आपने पाथ में सही इंफॉर्मेशन ऐड की है तो वो आपके जो फ्लटर है कमांड लाइन में अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा आप जमील का ये एरर आ रहा है कमांड लाइन का, आपका कहते प्लेटफॉर्म कौन सा है? मोहित आप ये ऐप को बिल्ड करके दोबारा रन करने की ट्राई कर लें, आई थिंक वो फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं अभी ऐप को मैंने रीस्टार्ट किया तो वो क्या कहते हैं शो होगी। तो फर्स्ट टाइम जब आप रन करते हैं तो आपके पास ये ऐप आती है जिसमें लिखा होता है फ्लटर डेमो होम पेज, और यहाँ पे एक आपके पास जो है एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है कि यू हैव पुश्ड द बटन दिस मेनी टाइम्स। तो जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो आपके पास जो काउंटर है उसमें इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। सो क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं जो है आज का था इंस्टॉलेशन का ट्यूटोरियल। अब इंस्टॉलेशन की एक स्टेज है जिसमें आपको क्या कहते हैं काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। अब जैसे क्या कहते हैं आपको काफ़ी सारे आ भी रहे हैं, इनमें से क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं हेल्प ट्राई करने की हम क्या कहते हैं हेल्प करने की कोशिश करते हैं पूरी, और क्या कहते हैं ये है लेकिन जब क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन में क्या कहते हैं इश्यूज इस वजह से आ सकते हैं कि आपके जो विंडोज़ के वर्जन डिफरेंट होते हैं और क्या कहते हैं आपके जो अगर कोई डिपेंडेंसीज पूरी नहीं है तो उसकी वजह से इश्यूज आ जाते होते हैं। तो ये वाला स्टेप में क्या कहते हैं हर किसी के डिफरेंट इश्यूज होते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं आप इंटरनेट की भी हेल्प लें कि कैसे क्या कहते हैं
और जो क्या कहते हैं जिनका लिनक्स में इशू है, तो मैंने जो अभी आपको क्या कहते हैं अभी स्क्रीन शेयर किया, मैं खुद भी लिनक्स पे यूज़ कर रहा हूँ, जिनका लिनक्स पे इशू है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनका मैं इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो विंडोज़ वाले हैं वो इंटरनेट की हेल्प लें, और क्या कहते हैं जो हमारे कम्युनिटी फॉरम्स हैं उन पर भी आप सर्च कर सकते हैं और मेरे से भी पूछ सकते हैं, और क्या कहते हैं जितना आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको सही करना है। सर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, पहले चल रहा था उसमें एडीबी मैंने ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है तो वो एरर दे रहा था कि एडीबी नॉट फाउंड, फिर इमुलेटर रन भी हो जाता था लेकिन ऐप टेस्ट नहीं होती थी, ये जो बेसिक ऐप बनी हुई है। और अब जो आने लगा है वो एरर ये आ रहा है कि एसडीके पाथ इज नॉट फाउंड इन स्पेसिफिक लोकेशन। Okay, we are very sorry ke time is about to up. To we have also a quiz part session. To aapke ab jo bhi questions hain aap wo Moiz ko kar sakte hain, questions through separate email. To Moiz aap chat box pe apne email mention karte hain, phir jo jo bhi aapke questions aap wo Moiz ko email karte hain. Okay, so it's time to quiz, which is very a fun game. So ab karna apne ke तथीर आपकी वॉइस नहीं आ रही तो ये चेक कर रही। Sorry about that. Okay, so what you have to do that go to the website through your mobile rehearse.it. ये मैंने चैट बॉक्स में मेंशन कर दिया है, सो इस काइंड ऑफ अगर आप मेरे स्क्रीन देख सकते हो सो दिस इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू विल सी। Let me share my screen. Okay. Yes, we want you to play Kahoot. Okay, अब आपको कोड नजर आ रहा होगा, so mention in the code because we have some amazing question regarding Flutter in there. ताकि हमें इसी पता चल जाए कि कौन फोकस कर रहा था कौन नहीं कर रहा था। सो यस वी हैव लाइक 91 पीपल।
इसका पिन क्या है गेम पिन? ये तो पता नहीं, ये पिन सामने मेंशन है, ये मैंने हाईलाइट किया है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं पिन नाम बता देती हूँ, 4959763। We have almost 60, 61, 62. तो मैं आपको ये बता दूं, हर क्वेश्चन की टाइमिंग 10 सेकेंड है, तो इसलिए टाइम को भी साथ साथ देखते रहेगा। और अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये इसमें ये भी बता दूं, मे भी नहीं पता होगा लिखने शो हो रहा, क्वेश्चन से कोई शो ही नहीं हो रहे हैं। आपको शो नहीं हो रहा? नहीं, अभी क्वेश्चंस शो किए जाएंगे स्टार्ट करने पे क्विज पे। अच्छा, सो I was telling, किसी ने यूज किया होगा, किसी ने नहीं यूज किया, जिसने नहीं यूज किया मैं उनको भी बता देती हूँ। जो क्वेश्चन है वो आपको शो होंगे, लेकिन जो MCQs आंसर है वो आपको स्क्रीन पे शो होंगे, लेकिन आपके मोबाइल पे आपको उसके क्वेश्चन आंसर कलर विद शेप शो होगा। तो मेक श्योर कि आप सही तरह उसको आंसर दें। वी हैव 66, 67, प्लीज हरी अप, वी हैव वेरी लेस टाइम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम थोड़ा सा रैप अप कर दीजिए गाइस क्विज से पहले, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था फॉर द फर्स्ट सेशन, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऑन द टाइम आया करूंगा, मेरा थोड़ा सा टाइम गया हुआ था मैं भाई। ओके थैंक यू, प्लीज We have about 66 people now, तो हम ऐसे करते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी ऊपर हो गया है। मैंने ये चैट बॉक्स पे लिंक किया हुआ है, सामने Kahoot.it लिंक लिखा हुआ है और पिन भी लिखा हुआ है, वो एंटर करें, Kahoot.it पे जाएं तो वहाँ पे लिंक ये पिन एंटर करें और आपको ये ओपन हो जाएगा, चाहे मोबाइल पे कर लें चाहे लैपटॉप पे कर लें ब्राउजर में कर लें। ये ऐप नहीं है, पहले आपको बता दो ये सिंपल वेबसाइट है, ब्राउजर पे जाके इसको आप लोड कर दो। अगर आप अगले सेशन से पहले ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं दैट विल बी रियली ग्रेट कि आप वहां से इजी देख सकते हो। मैं अभी लिंक ओपन किया, एक मिनट वेट करना। नो चैलेंज फाउंड, प्लीज चेक द यूआरएल। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। Okay, oh sorry, 1% people are here, so I'm about to start. Okay, let's get it. आंसर आप जल्दी जल्दी दें क्योंकि टाइम इसमें बहुत शॉर्ट है। जो पहले आंसर करता है वो टॉप पे आता है। बिल्कुल।
And here's the last. And we have oh hell nah, this is me. Okay, so the first one got Khalil, congratulations. The second is Mohammed Ahad, congratulations. Ali is the third, congratulations. And they were runner up, two runner up, I missed the name. So congratulations to you three. So this is the like a fun website I really like about. तो हम लास्ट टाइम भी हम यही करेंगे थोड़ी सी आप टू आवर्स का सेशन है बोर भी जाते हैं तो जस्ट मेक यू एनर्जाइजिंग सो आई यूज दिस काइंड ऑफ वेबसाइट सो लेट्स अबाउट एंड ऑफ दिस सेशन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एट द डे वन आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो जो हमारे स्पीकर थे वलीद अशद अगर आप उनसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उनसे डिस्कस कर लें अगर आप हमारे जो कोर्स इंस्ट्रक्टर हैं मोइस हसन अगर आप उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उनसे डिस्कस कर लें मोइस ने अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया था सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे आई होप दैट यू गाइस हैव अ ग्रेट फन तो इंशाल्लाह आपसे डे टू मिलते हैं सो अहमद आप मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा कहूट काफी मतलब फनी और अच्छे तरीके से मतलब आपको मतलब एनर्जाइज करता है तो आप आगे से ये करें कि ऐप इंस्टॉल कर लें उससे ये होगा कि आपको कुछ इशू नहीं होगा इसको क्विज को सॉल्व करने में तो इसका ये सीन होता है कि आपने सबसे पहले जो सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेगा उसका उतना ज्यादा स्कोर होगा अगर आप लाइक 5 सेकेंड आपका टाइम है तो आप पहले लाइक कुछ मिली सेकंड में आप टच कर देते हैं उसको करेक्ट ऑप्शन को तो आपका वो काउंट हो जाएगा अगर आप 1 पे करते हैं तो आपको उतना ही कम स्कोर मिलेगा तो ये ध्यान रखिएगा आइंदा से और ये जो पहले जो 5 दिन क्विजेस होंगे ये ग्रेडेड नहीं होंगे फॉर विनिंग टुवर्ड्स स्वैग तो जो आखिरी क्विज होगा वो शामिल होगा उसमें स्वैग विनिंग के लिए तो उसमें जो 3 विनर्स होंगे जो भी हम जैसे डिसाइड करेंगे देखेंगे कितना आपका स्कोर डिफरेंस है उसके मुताबिक भी देख लेंगे हम तो वो विनर्स होंगे जो 3 टॉप पे आएंगे तो आप ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और बिल्कुल इंटरेस्ट रहिएगा जब जैसे ही कहूट का हो इंस्टॉल अच्छा और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी ऐड तो सब यहाँ पे हैं लेकिन कोई पता भी नहीं है कौन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विदाउट रजिस्ट्रेशन भी लेकर उनकी तरफ आ ही जाता है तो जो विनर होगा हम उसको तब वेरीफाई करेंगे जब वो अपना टिकट नंबर हमें बताएगा ठीक है अगर हमें लगा कि इस पर्सन इज वेरीफाइड देन ही विल गेट स्वैग्स अदरवाइज वो नहीं लेंगे ठीक है और जो ई सर्टिफिकेट है वो आप सारों को ईमेल हम कर देंगे इंशाल्लाह अच्छा मेरा क्वेश्चन है मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा रैप अप कर दीजिएगा आज का जो जितना भी हम लोगों ने काम किया थोड़ा सा इस तरह हो जाए कि मुझे आइडिया हो जाए पढ़ा क्या मैं उसको खुद साइट गूगल से या यूट्यूब से मैं उसको देख लूंगा कि आज हमने किया क्या क्योंकि मेरा सेशन थोड़ा मिस हो गया था मिस्टेकली उसकी आप टेंशन मत लें अहमद जो है वो आप सारों को जो आज का हमारा पूरा सेशन था वो आपको कंप्लीट होल वीडियो आज आप वो आपको ईमेल कर देंगे चलिए ठीक है ओके थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सो मच दैट्स विल बी रैप अप सो अल्लाह हाफिज़ टेक केयर योरसेल्फ अल्लाह हाफिज़